गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे और फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मयंक सर एक बार फिर आप लोगों के लिए, जो हमने NTA पेपर सॉल्यूशन का आप लोगों को बोल रखा है, उसी का बच्चों एक नेक्स्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आज अपन NTA नेशनल टेस्टिंग अभ्यास बायोलॉजी का 14th पेपर, 40वां जो पेपर है बच्चों, उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो नीट वाली बच्चों डेट भी फाइनल हो गई है, 13 सितंबर, कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका है। तो अब अपने को जी जान के साथ लग जाना है, जुट जाना है। तो आज अपन NTA का 14th पेपर सॉल्व करते हैं। ऐसे ही बच्चों फिर जो जो कुछ अच्छे पेपर होंगे वो बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक? तो करें बच्चों स्टार्ट। चलो तो 14th पेपर NTA का जो पहला क्वेश्चन है बायोलॉजी का बच्चों, आपके सामने बोर्ड पे, कि द स्मॉलेस्ट डिजीज कोजिंग एजेंट इज, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। अब बच्चों अपन ने नीट वाले पेपर भी देखे थे, प्रियोन्स, वायरोइड्स और वायरस से रिलेटेड हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। ये प्रियोन वाला जो पार्ट है वो नया जुड़ा हुआ है, उससे कनेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो द स्मॉलेस्ट डिजीज कोजिंग एजेंट की अगर बच्चों बात आए तो माइंड में वही याद रख लियो आप, कौन? प्रियोन्स। वही प्रियोन्स जिसको लास्ट मैंने पेपर में बताया भी था, प्रूजिनर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, जिससे कई अलग अलग टाइप के इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। जैसे एक अपन ने शिप में स्क्रेपी डिजीज बताई थी, काऊ में बच्चों एक मैड काऊ डिजीज अपन ने लिखी थी, याद आया ना? तो एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रियोन बच्चों केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। जबकि वायरॉइड्स केवल किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड के। तो इसमें आप देख लो, ऑप्शन अपना पहला माइकोप्लाज्मा होगा नहीं, ये रहा दूसरा प्रियोन्स एंड प्रोटीन ओनली। तो इसमें अपना आंसर चला जाएगा बी, स्मॉल डिजीज कोजिंग एजेंट पूछे तो बच्चों हम क्या बताएंगे? प्रियोन्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द ओड वन विद रेस्पेक्ट टू द केमिकल नेचर ऑफ हॉर्मोन। ये हॉर्मोन वाले चैप्टर का क्वेश्चन, एंडोक्राइन सिस्टम। अब हॉर्मोन की बच्चों केमिकल नेचर आपको पता है कि हॉर्मोन अलग अलग थे, या तो एमिनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, या बच्चों वो स्टीरोइड होते हैं, ध्यान है ना? तो ओड पूछा है तो पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बिल्कुल पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते ही हैं। स्टीरोइड और आयोडोथायरोनिन भी होते हैं, स्टीरोइड जो गोनेड हार्मोन है बच्चों, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और आयोडोथायरोनिन में थायरोक्सिन वाला आ गया जिसमें कौन होता है? आयोडीन। स्टीरोइड एंड एमिनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं, ये एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एमिनो एसिड डेरिवेटिव था बच्चों। न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो जो डी है वो हार्मोन की केमिकल नेचर के रेफरेंस में क्या हो गया? ओड हो गया, विषम हो गया, गलत हो गया, वो न्यूक्लिक अम्ल के व्युत्पन्न नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन प्लांट न्यूट्रिशन का एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड एज ए मेजर और माइनर डिपेंडिंग ऑन। तो पादप पोषण से संबंधित मेजर और माइनर बच्चों जो एलिमेंट्स है उनमें आपको पता लगाना है कि मेजर और माइनर अपन किसके बेस पर, कि वो होता ना सूक्ष्म मात्रिक, दीर्घ मात्रिक, वो किसके बेस पर अपन बताते हैं? तो सिंपल सी बात है, वो अमाउंट के बेस पर होती है। जिसकी बच्चों पौधे को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी वो तो मैक्रो मेजर हो गए, जिसकी कम चाहिए वो माइनर हो गए, कम मात्रा में। तो ये देयर अवेलेबिलिटी इन द सोइल, मृदा में उनकी उपलब्धता के आधार पर, ये तो नहीं होगा। देयर रिलेटिव प्रोडक्शन इन द एश ऑब्टेन आफ्टर बर्निंग द प्लांट, प्लांट को जलाने के बाद बच्चों जो राख बनती है उसमें उपस्थिति के आधार पर, ये भी नहीं होगा। द रिलेटिव अमाउंट रिक्वायर्ड बाई द प्लांट, पादप द्वारा उनकी कितनी आवश्यकता है, अगर पौधे को ज़्यादा आवश्यकता है वो 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होती है ना बच्चों, तब तो अपन उसको मेजर बोल देते हैं, उससे कम हो तो माइनर है, ये अपने एनसीईआरटी में दे रखा है। तो अमाउंट के बेस पर आ गया तो ये सी। और मेजर वाले ध्यान रख लो आप, ध्यान ये ना, ये अपने एनिमल में भी अपन बच्चों पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, मेजर में वो CHON कौन, और वैसे इसमें सीक्वेंस तो वो होती है OCHN, चार तो ये हो गए। इसके अलावा बच्चों कैल्शियम, मैग्नीशियम, PSK, ये सारे कौन से हो गए? मेजर आ गए। इनके अलावा बोरोन, जिंक, मैग्नीज, वो सब प्लांट के रेफरेंस में कैसे? माइनर। क्लियर है? चले बच्चों आगे, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिर से हार्मोन का क्वेश्चन बोर्ड पर। हार्मोन विच इंटरैक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। अब हार्मोन के मैकेनिज्म में बच्चों अपन पढ़ते हैं ना,
कि जो प्रोटीन वाले हार्मोन है उनके लिए तो सेल मेम्ब्रेन पारगम में नहीं होती, तो प्रोटीन नेचर के जो हार्मोन है वो तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही जुड़ते हैं, झिल्ली योजित ग्राही उनके लिए रिसेप्टर सेल के बाहर है, और जो स्टीरॉइड हार्मोन है उनके रिसेप्टर बच्चों सेल के अंदर होते हैं, तो उनके लिए मेम्ब्रेन क्या होगी, पारगम में परमिएबल होती है। तो ये क्या कह रहा है कि हार्मोन विच इंटरेक्ट विद द मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल, वो लक्ष्य कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, बट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर, लेकिन वो द्वितीयक संदेश वाहक उत्पन्न करते हैं। दी सेकेंड मैसेंजर आर रेफर्ड एज, इनमें द्वितीयक संदेश वाहक कौन से हैं, तो सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जाम्पल बच्चों ध्यान रख लेना, हॉर्मोन जो है वो खुद प्राइमरी मैसेंजर होता है, प्राथमिक संदेश वाहक होता है, हार्मोन खुद प्राइमरी मैसेंजर है। अब बच्चों जो प्रोटीन नेचर के हार्मोन है ना वो सीधे सेल में एंट्री नहीं कर पाएंगे, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ही रहेंगे, अंदर वो सेल में क्या जनरेट करवाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर। उसके एग्जांपल बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, 11th एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर, उसके भी लास्ट वाले पेजेस पे देखना कौन कौन सा सेकेंडरी मैसेंजर। एक बेस्ट एग्जांपल सीएएमपी, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसके अलावा बच्चों कैल्शियम इनोसिटोल फॉस्फेट, आगे जीएमपी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट सीजीएमपी, हार्ट कार्डिक सेल के रेफरेंस में यूज होता है, ये सारे एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। तो कैल्शियम आ गया, इनोसिटोल फॉस्फेट आ गया, इनोसिटोल फॉस्फेट सीएएमपी आ गया, सारे आ गए, ऑल ऑफ दीज, ये सारे एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। क्लियर, प्रोटीन नेचर हार्मोन के लिए होते हैं बच्चों, क्योंकि प्रोटीन वाला हार्मोन सीधे सेल मेम्ब्रेन में एंट्री नहीं ले पाता, सेल मेम्ब्रेन प्रवेश नहीं कर पाता। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मेथेनोजन आर मोस्ट एबंडेंट इन, मेथेनोजन ये जो बैक्टीरिया ना बच्चों ऑर्गेनिज्म, ये कहाँ मिलते हैं, ज्यादा मात्रा में कहाँ उपस्थित होते हैं, तो मेथेनोजन का क्वेश्चन पहले भी नीट AIPMP में पूछा हुआ है। मेथेनोजन मिथेन बनाने वाले बैक्टीरिया, याद कर लो आर्की बैक्टीरिया है बच्चों। मेथेनोजन कहाँ मिलते हैं, कैटल्स की रूमेन में, रूमेन ऑफ कैटल्स, याद आया, पशुओं का रुमेन, रुमेन एक तरह से बच्चों उनके आमाशय का भाग होता है, पार्ट ऑफ स्टमक। तो ये जो जुगाली करने वाले होते हैं ना, गाय भैंस बैठी बैठी फोडर चारा ना चबाबो करे बिना, आप रूमिनेंट बोलते हैं ना बच्चों, जुगाली करने वाले, जुगाली, तो इन एनिमल्स का जो स्टमक आमाशय है उसका एक भाग है रुमेन, उस रुमेन में मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, रुमेनोकोकस मेथेनोजन टाइप बैक्टीरिया, जो क्या रिलीज करते हैं, मिथेन, गोबर गैस का भी कंपोनेंट है वही बच्चों। तो कह रहा है कि ये मेथेनोजन बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया कहां मेनली मिलते हैं, तो सल्फर रोक में नहीं, केटल यार्ड मवेशियों में, और मवेशियों में भी कहां, उनके स्टमक में, स्टमक के कौन से पार्ट में बच्चों, रुमेन में, रुमेन से आया रुमिनेंट, जुगाली करने वाले। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अल्फा एंड बीटा सेल्स आर फाउंड इन, अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहां उपस्थित होती है, सीधा सा क्वेश्चन है, फिर से एंडोक्राइन का मान लो इसे, डाइजेशन का भी मान सकते हो, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका पार्ट है बच्चों, अग्नाशय, अग्नाशय जो एक प्रकार की मिश्रित मिक्स्ड ग्लैंड होती है उसमें, हाँ, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो सेल थी, अल्फा और बीटा, बीटा सेल का इंपॉर्टेंट हार्मोन बच्चों इंसुलिन, और अल्फा सेल से कौन सा आता है, ग्लूकागॉन, वही हार्मोन जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। चलें आगे, पहला ही हो जाएगा, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, पेंक्रियाज की भी लैंगरहैंस की द्वीपिका जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, मिक्स्ड का मतलब समझते हो ना, मिक्स्ड का मतलब एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों, एंडोक्राइन से हार्मोन आ गया, एक्सोक्राइन से एंजाइम वगैरह आ गए, ठीक। अगला, सेलेक्ट द ऑप्शन हैविंग द फंजाई विच बिलोंग टू द सेम क्लास, उस विकल्प का चयन करो जिसमें एक ही वर्ग के कवक, सेम क्लास के फंजाई उपस्थित है, एगेरिकस एंड एस्परजीलस, अब बच्चों एस्परजीलस तो एस्कोमाइसिटीज में आ गया, एगेरिकस हाँ बैसिडियोमाइसिटीज उसमें है, राइजोपस एंड ईस्ट, ये जो सैकरोमाइसिस है ये भी बच्चों एस्कोमाइसिटीज में है, राइजोपस की अलग क्लास होगी, सेम क्लास के मेंबर नहीं है, मोर्चेला मोरेल्स एंड सैकरोमाइसिस ईस्ट, ये किसमें आ गए, एस्कोमाइसिटीज,
हिस्ट सैक्रोमाइसिस हो गया ना, और मोर्सेला, वही मोरेल्स जो एडिबल बता रहे थे अपन, खाने वाली फंगस थी ना, वही म्यूकर इसका अलग हो गया और रिस्ट का अलग। तो सेम क्लास पूछा है, तो मोरेल्स और सैक्रोमाइसिस दोनों किस में आ गए, एस्कोमाइसिटीज में। क्लियर, आंसर गया थर्ड। नेक्स्ट बच्चों, ये अपने नर्वस सिस्टम से कनेक्ट क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर दैट लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस इन द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे उपस्थित संरचना। तो मानव मस्तिष्क में बच्चों अपन जो ब्रेन का पहला पार्ट है उसको फोर ब्रेन बोलते हो आप, अग्र मस्तिष्क। अब फोर ब्रेन के भी याद करो, एक पार्ट तो आता है सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, जो अपने ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। एक आता है बच्चों डायनसेफेलोन, ध्यान है क्या, जिसको हम अग्र मस्तिष्क पश बोलते हैं, डायनसेफेलोन, अग्र मस्तिष्क पश। उसको अपन एक बंद कमरे की तरह बच्चों, क्लोज रूम लाइक बताते हैं। अब इस डायनसेफेलोन की जो ऊपर वाली छत है वो तो कहलाती है एपिथैलेमस। इसकी लेटरल जो वॉल है, साइड की दीवारें हैं, उसको हम बोल सकते हैं थैलेमस। और जो फ्लोर है बच्चों, बेस पार्ट है, वो इसका क्या कहलाता है, हाइपोथैलेमस। ये तो होता है, तो एपिथैलेमस, साइड में थैलेमस, और थैलेमस के बेस पर, थैलेमस के आधार पर कौन है, हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस की बात कर रहा है, थैलेमस के बेस पर कौन प्रेजेंट होगी, हाइपोथैलेमस। अरे वही हाइपोथैलेमस जिससे कौन सी ग्लैंड जुड़ी रहती है, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस से बच्चों हार्मोन भी आते हैं, दो हार्मोन बनते हैं यहाँ, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। हाँ, दोनों हाइपोथैलेमस से बनते हैं और वहां से आते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे। तो देखो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, द स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीटोसिन। बोलो, ये वो संरचना है जो ऑक्सीटोसिन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल, हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन भी बनता है। द स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ ब्रेन, गलत, ब्रेन का अधिकांश भाग तो सेरेब्रम बनाएगा। एसोसिएशन एरिया भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बच्चों होता है, एमाइग्डेला। एमाइग्डेला भी वैसे बेसल न्यूक्लियर का पार्ट है, ये इसके बेस पर नहीं होता, हाइपोथैलेमस पे नहीं होता। क्लियर, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, जहां क्या बनेगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, डायग्राम एक बार, ये वो पीबीआर वाला है, मैं थोड़ा सा इसमें दिखा दूं, देखो आप दिख रहा है, क्लियर, पीबीआर 322 वाला ही है। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, देख लो, ये ए लिख दिया यहां, ए बी और सी। तो बच्चों पीबीआर 322 वाले डायग्राम में ए, यहां तो वो कौन सा था, एमपीसिलिन रेजिस्टेंस, एनसीईआरटी में बता रखा है, यहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, और ओआरआई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास सी, ये था आरओपी। आरओपी क्या था, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, वही प्रोटीन रेप्लिकेशन को कंट्रोल करने वाला। तो देख लो इसमें तो सीधा ही है, ए एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पहले ही हो गया, बी टेट्रासाइक्लिन, और थर्ड आ गया आरओपी, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, उसके रेप्लिकेशन को ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। चलें आगे, इसमें तो आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। देखो तो ये देख लो, टेट्रा से गलत हो गया, कैनामाइसिन नहीं, वो टेट्रासाइक्लिन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से अपना उसका क्वेश्चन है, ये नर्वस सिस्टम का रिफ्लेक्स एक्शन से कनेक्टेड क्वेश्चन बोर्ड पे। द प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन दैट अकर इनवॉलंटरी इज रेफर्ड टू एज, ऐसी अनैच्छिक क्रिया जो परिधीय तंत्रिका तंत्र के नियमन में होती है उसको क्या बोलते हो। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ज्यादा रोल नहीं होता, हालांकि पार्ट तो बच्चों उसमें स्पाइनल कोड का भूमिका तो होती है, बट रेस्पॉन्डिंग टू पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन, ऐसा नहीं बोले, पेरिफेरल परिधीय तंत्री के उद्दीपन के फलस्वरूप अनैच्छिक होने वाली जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहा है। तो प्रतिवर्ती बच्चों जो होती है ना रिफ्लेक्स एक्शन, हालांकि उसमें देखो रोल तो होता है भाई, रिफ्लेक्स एक्शन को एक तो स्पाइनल कोड और एक मेडुला ओब्लोंगेटा, यही तो कंट्रोल करते हैं, मेनली स्पाइनल कोड है, इट्स पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। मेडुला ब्रेन वाला पार्ट होता है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स कहलाती है। तो बच्चों पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन परिधीय तंत्री के उद्दीपन के फलस्वरूप अनैच्छिक जो क्रिया होती है, इनवॉलंटरी, अपने आप
स्वीट देखते ही मुंह में सलाइवेशन हुआ, लार आना हो गया ना, किसी ने पिन प्रिकल की पिन चुभोई तो हाथ को हम अपने आप हटा लेते हैं, इनवॉलंटरी, सोचना थोड़ी पड़ता है। तो ये सारी प्रोसेस कहलाती है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं, डिस्कवर्ड बाय मार्शल हॉल। वही एक्शन पोटेंशियल, तो बच्चों जब स्टिमुलेशन देंगे वो एक्शन होता है, जनरेट होना नर्व इंपल्स है, कनेक्ट वो कोऑर्डिनेशन, कॉर्पस कैलोसम जैसे दोनों सेरेब्रम को कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज को वो। तो फर्स्ट आ गया इसका रिफ्लेक्स एक्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे बच्चों, द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व, बैक्टीरिया का क्या रोल है, ये जो डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया फंगस है वही डीकम्पोजिशन करना, डीकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया तो वही रोल बार बार पूछा जाएगा। एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजिनस कंपाउंड एसिमिलेट नहीं करते, फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं है, कार्बन साइकिल में, कीमोसिंथेसिस में नहीं, डाइजेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को डीकम्पोज, वही रोल ऑफ बैक्टीरिया, उसी से वो क्या बनाते हैं, मिनरल्स बना देते हैं, डीकम्पोजिशन। क्लियर है, बैक्टीरिया का रोल अपने को पता ही है बच्चों। अगला लोकोमोशन मूवमेंट का जॉइंट वाला क्वेश्चन ध्यान रख लेना बच्चों, जॉइंट से लगभग बहुत बार क्वेश्चन बनता है लोकोमोशन मूवमेंट में, जो संधियां जोड़ है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो कौन से जॉइंट, जॉइंट विच आर फ्यूज एंड टू एंड विद द हेल्प ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू आर रेफर टू एज, ऐसे जॉइंट जो बिल्कुल टाइट जुड़े हुए हैं, सघन फाइब्रस तंतुमय संयोजी उत्तक से जुड़े हुए हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये फाइब्रस जॉइंट ही हो गए बच्चों, तंतुमय संयोजी उत्तक से, फाइब्रस बोले तो इमूवेबल, एंड टू एंड जो टाइट जुड़े हुए हैं वो संधियां कौन सी हो गई, अचल और अचल जोड़ में सूचर या तो सीवन, वही फ्लेट बोन ऑफ स्कल, खोपड़ी की चपटी अस्थियों के बीच के जो जोड़ है सिर में बच्चों, पैराइटल टेम्पोरल बिल्कुल टाइट जुड़ी रहती है, इनमें मूवमेंट नहीं होती। तो तीन आते हैं ना जॉइंट, फाइब्रस जिनमें मूवमेंट नहीं हो, फाइब्रस नाम ही फाइब्रस है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस फाइब्रस, कार्टिलेजिनस उसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है, और साइनोवियल जॉइंट जिसमें प्रॉपर मूवमेंट होती है। क्लियर, तो सूचर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, साइनोवियल ये अलग हो गए, फर्स्ट ही कर दें इसका, चलें आगे। नेक्स्ट लो पाइनस जिम्नोस्पर्म, पाइनस इज ए जिम्नोस्पर्म बिकॉज इट, पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है क्योंकि, अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में मेन डिफरेंस तो बच्चों वही ओवरी फ्रूट वाला ही आ गया ना, तो देख लो कहाँ है, बियर्स पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन तो एनजियो में भी होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज अ लार्जर ट्री ग्रोविंग इन कोल्डर एरियाज, और भी ट्री कोल्डर एरिया में ग्रो करते हैं, इस वजह से जिम्नोस्पर्म नहीं है। लैक ओवरी, ये लो यूनिक फीचर, इसमें ओवरी अंडाशय नहीं होता बट पजेज एक्सपोज ओव्यूल, एक्सपोज ओव्यूल तो होते हैं बट ओवेरी नहीं होती, ओवेरी जिम्नोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म में आ गया, तो यहां लैक ओवेरी, ओवेरी का अभाव, इसलिए क्या है, जिम्नोस्पर्म है, आंसर इसका गया बच्चों सी। वैस्कुलर टिश्यू तो आप पेरिडोफाइट और से बता देते हो, वहां से स्टार्ट हो जाते हैं, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन जो आपका वेट कर रहा है फिर से लोकोमोशन मूवमेंट का बच्चों, एनाटोमिकल यूनिट ऑफ मसल, मसल की यूनिट अगर पूछी जाए तो आता है मसल फाइबर। अब बच्चों सार्कोमियर जो है ना, सार्कोमियर, सार्कोमियर में देखो क्या आता है, सार्कोमियर भी अपन पढ़ते हैं ना कि डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन, याद आ रहा आपको भाई, ये दो जेड लाइन हुई, इससे कनेक्टेड ये एक्टिन हुए, बीच में मायोसिन आया, तो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं सार्कोमियर। वो मसल की फंक्शनल यूनिट कंसीडर करते हैं, और अगर स्ट्रक्चरल फंक्शन या एनाटोमिकल की बात आए तो बच्चों मेन जो यूनिट है वो कौन सी होती है, मसल फाइबर, पेशी तंतु, अरे वो फॉर्म करते हैं ना अपन मसल फाइबर, देखो कैसे कि भी सबसे पहले बोल दिया मायोफिलामेंट बनते हैं, पेशी तंतु एक्टिन मायोसिन से, मायोफिलामेंट से बच्चों फ्यूज होके मसल फाइबर, मसल फाइबर से फिर मसल बंडल, और फाइनली क्या फॉर्म होती है, मसल्स। तो मेन यूनिट अगर कंसीडर करें तो वो इसका आएगा मसल फाइबर, मायोसाइट सेल भी इसको बोल देते हैं, वही मसल फाइबर। चलो आगे, अगला क्वेश्चन बच्चों आ रहा है इसमें, आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व, रिकॉग्नाइज लेबल फर्स्ट टू, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा अपन ऐसे देख लेते हैं, क्लियर थोड़ा सा देख लो, इसको कलर चेंज, ये वाला डायग्राम देख के पूछा है,
एक कोई बीकर फ्लास्क में बच्चों प्लांट की ग्रोथ दिखा रखी है, इसके रेफरेंस में आया है। तो रूट के पास ये फर्स्ट दे रखा है, ये स्टेम के ऊपर जो जा रहा है वो सेकंड, और यहाँ थोड़ा सा क्लियर देखो तो यहाँ वेपर वास्प दिखा रखी है वो थर्ड। तो बात सीधी सी, वेपर बाहर आ रही है तो इस प्रोसेस क्या कराओगे बच्चों? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, नेसेसरी एविल जिसको बोलते हैं वही। तो ये जो डायग्राम में बता रखा है ये पूछ रहा है क्या है, कौन सी प्रोसेस है? तो ए बच्चों ये तो एब्जॉर्प्शन, रूट जो है वो वाटर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। फिर पानी ऊपर रूट से ऊपर की ओर ट्रांसफर हो रहा है, जिसको अपन एसेंट ऑफ सेप बोल देते हैं ना, रसारोहण बोलते हो, एसेंट ऑफ सेप। फिर वही वाटर लीव्स के थ्रू जब बाहर आएगा उसे अपन बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, बस नेसेसरी एविल आवश्यक दुर्गुण जिसको अपन बोलते हैं। तो आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व, रिकॉग्नाइजेबल, तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई? ट्रांसपिरेशन। देख लो, फोटोसिंथेसिस नहीं, रेस्पिरेशन इन प्लांट नहीं, ये प्रोसेस एक्चुअल में क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? चलें आगे। चलो फिर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी सिस्टम का आपके सामने, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये सारे आर, ये सब क्या है? अमोनिया और ये सब आयन्स वगैरह एक्सक्रीटरी सबस्टेंस है, उत्सर्जी उत्पाद है। तो बिल्कुल बच्चों, एक्सक्रीटरी सबस्टेंस है, उत्सर्जी पदार्थ है, मेटाबोलिक उपापचयी प्रोडक्ट है। हाँ, अब आप जब एक्सिडिटरी वाले चैप्टर की एनसीआरटी की पहला पैरा ही पढ़ोगे तो पहले पैरे की दूसरी तीसरी लाइन में आपको दिखेगा कि अपनी बॉडी में बच्चों मेटाबॉलिज्म के बाद कई प्रोडक्ट बनते हैं, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल। तो ये सारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। अब इनमें से जो हार्मफुल है बॉडी उनको बाहर निकाल देगी, एलिमिनेट कर देगी, कंप्लीटली भी कर सकती है, पार्शियली भी कर सकती है। आयंस वगैरह पूरे आयंस बाहर थोड़ी जाएंगे, वो तो आंशिक रूप से जाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है वो रह गए, बाकी बाहर एलिमिनेट हो गए, निष्कासित हो गए। तो ये एक्सक्रीटरी सबस्टेंस भी है, उत्सर्जी पदार्थ भी है और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं तो मेटाबॉलिक भी हुए। और इनमें जो काम के नहीं है उन्हें हम यूरिन के साथ बाहर निकाल देंगे। तो बच्चों ये क्या है? एक्सक्रीटरी सबस्टेंस। तो आपको दोनों देखना पड़ेगा, ऐसी नहीं कि पहला ऑप्शन देके टिक कर दिया, इसे चारों ऑप्शन देखा करो, चारों देखोगे तो डी आपको दिख रहा है, बोथ ए एंड बी। तो मोर प्रॉपर बेस्ट आंसर हो जाएगा इनका डी। क्लियर? बिल्कुल एनसीईआरटी में मिलेगा आपको। चलें बच्चों आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और वही एंडोस्पर्म वाले डायग्राम का है, देख लो ये ऐसा डायग्राम देके पूछा है, आइडेंटिफाई एक्स फ्रॉम द डायग्राम बिलो, एक्स पूछ लिया तो समझ जाना है। तो दिखाई रखा ना, एंडोस्पर्म दिखा दिया और एम्ब्रियो दिखा दिया, तो बच्चा क्या है? न्यूक्लियस बता ही रखा है एक्स में, तो बस ये तो डायग्राम से अपने को समझ में आ रहा है। डी जनरेट सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं, रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ही हो गया ना। एंडोस्पर्म भी दिखा दिया, ये एंडोस्पर्म दिखा दिया, दे दिया लेबलिंग में, ये एम्ब्रियो दे दिया, तो ये वाला जो बचा हुआ है वो क्या बचा? न्यूसेलस, न्यूट्रिशन में भी हेल्पफुल होता है वही। चलो चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन फ्री कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का आयरन मुक्त पार्ट, बिना आयरन वाला भाग क्या है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में हम दो पार्ट बताते हैं, एक तो आता है हीम, एक उसका आता है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन तो बच्चों अपने को पता है इसका कौन सा पार्ट है, प्रोटीन पार्ट होता है जिसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, बड़ा पार्ट ये। हीम जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इसी में आयरन, फेरस ये प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन का आयरन फ्री कंपाउंड, जब आयरन वाला पार्ट हीम हटा दोगे तो बिना आयरन वाला क्या बचेगा? ग्लोबिन बचेगा। ग्लोबिन जो इसका कौन सा पार्ट है? प्रोटीन पार्ट है। तो आंसर गया ए। हिमेटिन, ये भी ध्यान रख लेना बच्चों, हिमेटिन क्या होता है? हिमेटिन हिम, हिमेटिन हिम से ले लो, हिम वाला पार्ट है हिमेटिन। तो हिम का मतलब इसमें प्रोटीन नहीं होगा, आयरन होगा, लेकिन हिमेटिन का जो आयरन है वो ध्यान रख लेना बच्चों, ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडेशन के बाद वाला आयरन फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो हिमेटिन का मतलब हिम वाला पार्ट, बट आयरन उसका ऑक्सीडाइज्ड है, उसको हिमेटिन बोल देंगे। तो हिम और हिमेटिन में भी डिफरेंस है, हिम आयरन फेरस, और ऑक्सीडेशन के बाद वो क्या कहलाएगा? हिमेटिन कहलाएगा। क्लियर है?
मायोग्लोबिन में होता है, जैसे वही बिलिरुबिन आपको पता ही है, हीमोटॉक्सिन, ये तो वहाँ प्लाज्मोडियम में पढ़ते हैं अपन। आरबीसी में हीमोजोइन पार्टिकल्स बनते हैं जो कैसे होते हैं उसके टॉक्सिक सब्सटेंस, वो हीमोजोइन बच्चों। क्लियर, तो आंसर इसका फर्स्ट आ गया। चलें आगे, क्वेश्चन 19। इन जिम्नोस्पर्म द पोलिनेशन इज, लो सीधा ही, जिम्नोस्पर्म में पोलिनेशन परागण किस प्रकार का होता है? तो जिम्नोस्पर्म में बच्चों अपन मोस्टली एयर के थ्रू बताते हैं ना, वायु के द्वारा, एयर के थ्रू होता है, उसको क्या बोलते हो? एनेमोफिलस। तो ये जो परागण बाई एयर है, हवा के द्वारा, तो वो कहलाया एनिमोफिलस। इंसेक्ट के द्वारा होता है तो एंटोमोफिलस हो गया, क्योंकि इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइल से पोलर ट्यूब एंट्री करेगी तो माइक्रोपाइलर है, और एयर के थ्रू होता है इसलिए एनिमोफिलस है। हो गया फर्स्ट, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र पता ही है कैसा बच्चों? ये लो, एक तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन। कैसी शेप है? अब इसमें भी देख लेना, पहला ऑप्शन है एस आकृति का, दूसरा सिग्मोइड शेप्ड, दोनों सही है। तो आंसर फोर्थ आएगा, बोथ ए एंड बी। तो इसलिए चार ऑप्शन देख के, फिर ऐसा नहीं फर्स्ट देखती फटाफट टिक कर दिया, तभी बच्चों वो सिली मिस्टेक होती है। उस सिली मिस्टेक को ही हमें क्या करना है, रिमूव करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है ताकि एक्यूरेसी बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, ए प्रोसेस वेयर द डिप्लोइड सेल ऑफ एन ओव्यूल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक डेवलपिंग इनटू अनदर एम्ब्रियो सैक विदाउट रिडक्शन इन नोनेज, ये लो, विदाउट रिडक्शन, बिना रिडक्शन के, बिना मियोसिस के, बिना न्यूनकारी विभाजन के, एम्ब्रियो सैक डेवलपिंग इन अनदर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक से नया एम्ब्रियो बन रहा है बिना रिडक्शन के, बिना मियोसिस के, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो बच्चों देख लो, एपोमिक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान ही होगा ना भाई, अपने को पता है प्लांट में दो जनरेशन अपन पढ़ते हैं, स्पोरोफाइटिक बीजाणुद्भिद, एक आती है गैमेटोफाइटिक युग्मकोद्भिद। तो गैमेटोफाइटिक तो हैप्लोइड है, ये डिप्लोइड है, इनका एक्सचेंज ही तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पीढ़ी एकांतरण। स्पोरोफाइटिक बच्चों जो है, इससे स्पोर बनते हैं, हैप्लोइड स्पोर, हैप्लोइड बनते हैं तो डिवीजन कौन सा हुआ, मियोसिस हुआ। स्पोर से फिर आगे जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट आ गया, युग्मकोद्भिद आ गए। गैमेटोफाइट बच्चों जो हैप्लोइड है, इससे बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एम्ब्रियो सेक वही हो गया। इनके फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, एम्ब्रियो स्पोरोफाइट, ये तो नॉर्मल कंसीडर हो गया। तो डिप्लोइड स्पोरोफाइट से हैप्लोइड गैमेटोफाइट, वापस फर्टिलाइजेशन से स्पोरोफाइट। क्लियर। कुछ केसेस में बच्चों क्या होता है, एपोमिक्सिस के जो टाइप्स आते हैं उसमें अपन देखते हैं कि जब स्पोरोफाइट डायरेक्ट गैमेटोफाइट बना रहा बिना मियोसिस के, मियोसिस हो रहा तब तो हैप्लोइड हो रहा है, विदाउट मियोसिस स्पोरोफाइट से सीधा गैमेटोफाइट बना, स्पोरोफाइट में गड़बड़ी से बना, तो इसको तो बोल दिया एपोस्पोरी, एपोस्पोरी। ऐसे ही जब गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा स्पोरोफाइट बना दे बच्चों, इस प्रोसेस को बोल देंगे एपोगैमी, गैमी गैमेटोफाइट, स्पोरी स्पोरोफाइट से कनेक्टेड। एपोमिक्सिस के टाइप है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वगैरह ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि ए प्रोसेस वेयर द डिप्लोइड सेल, स्पोरोफाइट डिप्लोइड सेल ऑफ एन ओव्यूल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक डेवलपिंग इनटू अनदर एम्ब्रियो सैक विदाउट रिडक्शन इज नोन एज, बिना मियोसिस के, रिडक्शन का मतलब न्यूनकारी, बिना मियोसिस के अगर एक से सीधा बन रहा तो क्या कहलाई, एपोस्पोरी। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर गया बी। पार्थेनोजेनेसिस में तो अपन डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देते हैं ना ओवम से, विदाउट मेल गैमेट, वो पार्थेनोजेनेसिस है, डबल फर्टिलाइजेशन वो होता ही है। तो इसमें बच्चों आंसर आ गया सेकंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी का ले लो चाहे इसको नर्वस सिस्टम में ले लो। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर
श्वसन लयबद्ध केंद्र, एक विशेष प्रकार का श्वसन लय केंद्र, वही जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो श्वसन के प्राथमिक नियमन का मेन केंद्र है वो कहाँ होता है? तो बच्चों रेस्पिरेशन रिदम सेंटर कहाँ होगा, सोचने की बात ही नहीं है। जो इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रियाएं होती है इनका कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब चाहे वो हार्ट बीट हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हो, सब मेडुला के पास होते हैं। चाहे वोमिट सेंटर हो, वो भी ध्यान है ना, उल्टी वाला वमन केंद्र, ये सब मेडुला के पास है बच्चों। और मेडुला आपको पता है हाइंड ब्रेन का पार्ट है, या यूं बोलें अपने ब्रेन का सबसे लास्ट हाइंडेस्ट पार्ट होता है। भाई तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पश्च मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन के भी बच्चों तीन पार्ट है, पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला। मेडुला सबसे लास्ट का पार्ट है, और मेडुला से फिर आगे कौन कनेक्ट हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर मेडुला है, सेरिबेलम नहीं होगा, अनुमस्तिष्क नहीं है बच्चों। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे निचला पार्ट, ब्रेन का सबसे लास्ट का पार्ट, यही कौन है, मेडुला होता है। क्लियर? द टॉप पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का टॉप पोर्शन भी नहीं, नन ऑफ दीज, तो सेकंड कर दो, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट इज नोट करेक्ट, नोट द इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। व्हाट इज द इनकरेक्ट सीक्वेंस, नोट द इनकरेक्ट, देखो बच्चों थोड़ा सा घुमाया है इसने, घुमाया क्या, गड़बड़ी से दे दिया, नोट द इनकरेक्ट असत्य नहीं है, नोट द इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट की बात कर रहा है, ज्यादा ही दिमाग लगा दिया, इतने भी कंफ्यूज नहीं होते, तो ऐसी चीजों को लिख लिया करो कि पूछ क्या रहा है। नोट द इनकरेक्ट का मतलब करेक्ट की बात कर रहा है, ये सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये सीक्वेंस बच्चों आपको पता ही है ना, लौट जाओ प्यारी दीदी, बताते हैं अपन, लौट जाओ प्यारी दीदी, लौट जाओ, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाई काइनेसिस, ढूंढ लेना कहाँ है, सही सीक्वेंस है, वो सीधा ही है, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है बच्चों, 24th, द प्रिंसिपल ऑर्गन इन ह्यूमन, एनसीईआरटी का डाइजेशन का क्वेश्चन है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, इन सब पोषक पदार्थों का अवशोषण का प्राथमिक अंग, सबसे मुख्य एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल के किस पार्ट में होता है, तो सोचना ही नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में, वही स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों जिसमें कौन है, विलाई होगी, माइक्रोविलाई होगी, करकरिंग के फोल्ड होंगे जो सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, निम्न में से कौन सा लक्षण समसूत्री विभाजन की द्वितीय प्रावस्था के प्रारंभ का सूचक है, समसूत्री विभाजन की द्वितीय प्रावस्था के प्रारंभ का सूचक है? तो पहली प्रावस्था प्रोफेज है, दूसरी मेटाफेज है, एनाफेज है, टेलोफेज है, तो सेकंड प्रावस्था कौन सी है, मेटाफेज, तो मेटाफेज के प्रारंभ का सूचक बच्चों कौन है, अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम, गलत, इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल, वो तो बाद में बनेंगे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, केंद्रकीय जो आवरण है वो डिसइंटीग्रेट, हटने लग जाता है, विलुप्त हो जाता है, और ये प्रोफेज के लास्ट तक आते आते हैं, एंडिंग ऑफ प्रोफेज। तो बच्चों प्रोफेज जैसे जैसे समाप्त हो रही है, न्यूक्लियर एनवेलप हट जाता है, तो इसका हटना ही मेटाफेज की क्या हुई, बिगनिंग हुई, प्रारंभ हुआ, देन फिर वो क्रोमोजोम मेटाफेजिक प्लेट पर आकर जमा हो गए, फिर वो अपोजिट पोल पे स्पिंडल फाइबर, देन वो सेंट्रोमियर से जुड़ के उनको अलग अलग पोल पे लेकर जाएंगे। क्लियर है? तो इसका हटना ही, ये प्रोफेज के लास्ट में होता है, प्रोफेज लास्ट का मतलब बच्चों पे कौन स्टार्ट होगी, मेटाफेज। अगला, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्या स्टेप होते हैं, ये पढ़ते हैं ना अपन सेल बायो ऑर्गेनल्स में, ईआर और ये जो बच्चों गोल्जी बॉडी कनेक्टेड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो आरईआर, एसईआर के भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाते हैं, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक, तो अपने प्रोटीन से कनेक्टेड कर लेना, एसईआर लिपिड सिंथेसाइज से कनेक्टेड होती है, देन वो गोल्जी बॉडी की वेसाइकल्स वगैरह जो फॉर्म करते हैं सिस्ट ट्रांसफॉर्म में, उसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है। तो देखो, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, द प्रोटीन्स एंड लिपिड गेट रैप्ड इन ए वेसाइकल्स, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड मिलकर ही तो लाइपोप्रोटीन वाली स्ट्रक्चर होती है, वेसाइकल्स को कवर किए हुए, ड्रिफ्टेड टू गोल्जी, गोल्जी में आए,
अटैच टू सिस गोल्जी, पहले सिस गोल्जी से अटैच हुए, मूव थ्रू गोल्जी, गोल्जी के थ्रू मूव करेंगे, गति करेंगे, एग्जिट ट्रांस गोल्जी इन ए न्यू वेसाइकल, ट्रांस गोल्जी से न्यू वेसाइकल के फॉर्म एग्जिट हुए, ड्रिफ्ट टू द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सोसाइटोसिस, उस सेल से बाहर आना ही क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। एंजाइम वगैरह बनेंगे तो ये लाइसोसोम के फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं बच्चों। तो सुन लो, प्रोटीन और लिपिड पहले सिक्वेंसी एनसीईआरटी वाली रैप्ड इन ए वेसाइकल, वेसाइकल के फॉर्म में अरेंज हुए, गोल्जी में ड्रिफ्ट हुए, फिर सिस गोल्जी से अटैच हुए, सिस से तो एंट्री हुई, मूव थ्रू गोल्जी, एग्जिट ट्रांस गोल्जी इन ए न्यू वेसाइकल, ड्रिफ्ट टू द सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सोसाइटोसिस, फाइनली सेल के बाहर आना एक्सोसाइटोसिस, अंदर आना एंडोसाइटोसिस। सही लग रहा है, आगे वाला और देख लो। द प्रोटीन एंड लिपिड गेट रैप्ड इन ए वेसाइकल, ठीक है, ड्रिफ्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक नहीं, यहाँ स्टार्ट में हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी में, अटैच टू ट्रांस गोल्जी, ये भी उल्टा हो गया, पहले सिस से फॉर्म में आएगा। द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड गेट रैप्ड, कार्बोहाइड्रेट नहीं, प्रोटीन होगा, और न्यूक्लिक एसिड, ये भी न्यूक्लिक एसिड की वजह से गलत हो गया। तो बच्चों इसका आंसर क्या रह गया, फर्स्ट, देख लियो, सेल ऑर्गेनेल एनसीईआरटी का एक कनेक्टेड क्वेश्चन है। ए फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड वेजाइनल ओरिफिस, ये अपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनसीईआरटी की लाइन ही है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बच्चों वेजाइनल ओरिफिस को घेरे हुए मॉन्स प्यूबिस के नीचे का जो फोल्ड है वो, तो देखियो फीमेल रिप्रोडक्टिव में बच्चों जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है बाह्य जननांग, उसको वल्वा भग बोलते हैं। अब वल्वा के ठीक ऊपर ये बच्चों एक फैट का डिपॉजिट टिश्यू होता है जिसको मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस, जघन शैल। इसके नीचे जो स्किन का फोल्ड है इसको अपन आउटर को बोलते हैं लेबिया मेजोरा वृहद बघोस्ट। लेबिया मेजोरा के अंदर बच्चों एक और थिन लेयर होती है, दैट्स कॉल्ड लेबिया माइनोरा। फिर माइनोरा के ऊपर वाला जॉइंट यहां ये क्लाइटोरिस। तो ये पूछ क्या रहा है कि ए फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यू उत्तक का विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के नीचे जो प्रेजेंट है वेजाइनल ओरिफिस को घेरे हुए वो लेबिया मेजोरा, बी बच्चों नॉट माइनोरा, कौन सा, मेजोरा वृहद बघोस्ट ये कहलाता है। क्लियर, इसका आंसर आ गया सेकंड। हाइमन, वो वेजाइनल ओरिफिस पे टेम्पररी जो कवरिंग होती है उसको हाइमन बोलते हैं, वही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, चार कथनों को पढ़िए, हाउ मेनी ऑफ द अबोव स्टेटमेंट, करेक्ट पूछ रहा आपसे, सही कथन ढूंढो इनमें से। एवरी क्रोमोसोम इसेंशियली हैज ए प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर, प्रत्येक गुणसूत्र में बच्चों प्राथमिक कॉन्स्ट्रिक्शन संकीर्णन सेंट्रोमियर आवश्यक रूप से उपस्थित होता है, बिल्कुल सही बात है। क्रोमोसोम में बच्चों प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसी को हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसी के बेस पे वो क्रोमोसोम के टाइप एक्रोसेंट्रिक सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक वो पढ़ते हैं अपन, होता ही है, ट्रू है, ये कथन सही है। तो हर स्टेटमेंट के आगे बोलता हूँ मैं, ट्रू फॉल्स लिख सकते हो, आपको ध्यान रहे क्या पूछा है। ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, तो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन की अलग अलग प्रावस्थाओं में न्यूक्लियस की जगह बच्चों कोशिका में वो संरचनात्मक गुणसूत्र वही दर्शाते हैं ना, कंडेंस हुए तो क्रोमोसोम बन गए, फिर अलग अलग पोल पे ट्रांसफर हो गए, मेटाफेज में एक जगह के अरेंज हो गए, तो ये भी ट्रू है, क्रोमोसोम के रेफरेंस में सही है। न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये कह रहा है कि बच्चों जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर के जो पोर है, न्यूक्लियर पोर केंद्रक रंध्र, इनमें से आरएनए और प्रोटीन की जो गति है वो एक ही दिशा में होती है हमेशा, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर। अब अपने को पता है न्यूक्लियस में आरएनए बना, तो आरएनए न्यूक्लियस से कहां आएगा बच्चों, साइटोप्लाज्म में आएगा, बात सही है। प्रोटीन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएंगे, ठीक है, एक ही साइड में आएंगे, कभी भी साइटोप्लाज्म से वापस न्यूक्लियस में ट्रांसफर नहीं होंगे, ये बात गड़बड़ हो गई। अब जैसे प्रोटीन जो बच्चों बना, प्रोटीन, प्रोटीन में स्टोन प्रोटीन वगैरह होती है जो डीएनए को कवर करने में हेल्पफुल होती है, तो वो वापस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी ट्रांसफर होती है रिक्वायरमेंट के टाइम। तो वन डायरेक्शन का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म ही आएगा, प्रोटीन के रेफरेंस में हम बता सकते हैं वो वापस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी ट्रांसफर होती है। हाँ, आरएनए के लिए जनरली यही बोलते हैं कि जो आरएनए बना वो न्यूक्लियस से किधर आएगा, साइटोप्लाज्म की ओर ही आएगा, ऐसा एक नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो वन डायरेक्शन की वजह से गलत हो गया, एक दिशा में नहीं, प्रोटीन वापस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भी ट्रांसफर होता है।
इस वजह से फॉल्स हो गया. क्रोमेटीन कंटेंट डीएनए सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन एंड आरएनए ओनली. इसके अलावा नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी आती है ना एसिडिक नेचर की, हाँ वो भी प्रेजेंट होती है, तो ओनली की वजह से गलत हो गया. तो इसमें बच्चों पहले दो सही है, आगे वाले दो गलत है. तो इसने करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन में देख लो टू कहाँ है, सी इसमें टू है, तो अपना आंसर ये सी हो जाएगा. क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये बच्चों, एन इनवर्टेड पियर शेप्ड ऑर्गन अटैच टू द पेल्विक वॉल इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन इज. उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना, ये नाम आते ही दिमाग में क्या आया, वुम्ब, यूट्रस. फिर देख लो दोनों सेम ही होते हैं, वुम्ब हिंदी में बच्चादानी, यूट्रस गर्भाशय, इसी को बच्चों हाइस्ट्रा भी बोल देते हैं, तीनों एक ही चीज है, मैट्रियम भी बोलते हैं बिल्कुल. और हाइस्ट्रा से ये क्वेश्चन बना हुआ है, हाइस्ट्रेक्टोमी. और टोमी बच्चों जहां आ गया वहां मतलब हटाना, पृथक करना, तो रिमूवल ऑफ यूट्रस गर्भाशय को हटाना क्या कहलाया, हाइस्ट्रेक्टोमी. तो ए और बी सही है, तो आंसर गया डी, इनवर्टेड पियर शेप, उल्टी नाशपाती के आकार की संरचना. अगला, शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग ऑन, ये कह रहा है कोशिका की आकृति किस पर निर्भर करती है. तो बच्चों आपका जो टिश्यू वाला चैप्टर है, सातवां चैप्टर 11th एनसीईआरटी का, उसमें बिल्कुल क्लियर दे रखा है, पेज नंबर 100 है सही, उसके बिल्कुल जो लास्ट पैरा वहां आपको लिखा मिलेगा, लास्ट पैरा के भी नीचे वाली दो लाइन में ढूंढ लेना, कि जो सेल की शेप है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है. फंक्शन दे परफॉर्म, कि सेल क्या कार्य करती है उसके अकॉर्डिंग उसकी शेप होती है, कार्य के अकॉर्डिंग वो अपनी शेप को डिटरमाइन. तो इसमें ये फंक्शन डी होगा, एनसीईआरटी से कनेक्टेड टिश्यू का क्वेश्चन. ये डायग्राम देख लो वही है एनसीईआरटी का, ये बच्चों दिख जाएगा. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दे रखा ना अपने को, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनते हैं, वही दिख गया. अब पूछा ए और बी, यहां इसने ए दिया है, ये यहां बी दिए हैं, तो लास्ट में तो ये पूंछ वाले जो बनते हैं तो स्पर्मेटोजोआ हो गए, स्पर्म हो गए. ए जो सबसे पहले स्टार्ट में करते हैं बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया होगी, पीजीसी स्पर्मेटोगोनिया है ना, ठीक है. इसमें तो ज्यादा क्या देखना है, देख लो कहां मिल रहा है ऑप्शन, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड गलत हो गया, ये डी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ, तो आंसर डी हो गया. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्लांट स्ट्रक्चर इज करेक्ट. पादप संरचना के रेफरेंस में पूछ रहा आपसे कि कौन सा कथन सही है, बोलो. पहला था शूट एपिकल मेरिस्टेम हैज ए क्विसेंट सेंटर, शूट स्टेम वाला जो पार्ट है उसके पास क्विसेंट शांत केंद्र उपस्थित होता है, शूट के पास होता है कि रूट के पास, हाँ तो शूट की वजह से गलत हुआ ना, क्विशेंट सेंटर वहां थोड़ी होता है, करेक्ट आपसे पूछ रहा है. कॉर्क लेक स्टोमेटा बट लेंटिकल्स कैरी आउट ट्रांसपिरेशन, कॉर्क में स्टोमेटा नहीं होते बट लेंटिकल्स में होते हैं, होते तो हैं बच्चों, लेकिन लेंटिकल्स में अपने को पता है लेस देन 1% जो होता है ट्रांसपिरेशन वो लेंटिकल्स के थ्रू होता है. एकदम करेक्ट नहीं, और ऑप्शन देखो इससे अच्छा कोई ज्यादा करेक्ट मिल जाए, तो बार बार यही कहता हूं मैं आपको, चारों ऑप्शन पढ़ो फिर बेस्ट आंसर दो. सी, पैसेज सेल्स हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू फ्लोएम. पैसेज सेल फूड को ट्रांसफर तो करती है, लेकिन कॉर्टेक्स से फ्लोएम की ओर करती है कि फ्लोएम से कॉर्टेक्स, फूड लीफ में बना वहां से वापस जब रूट की ओर आएगा बच्चों, तो ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, फ्लोएम टू कॉर्टेक्स, तो ये भी इनकरेक्ट है. सीव ट्यूब एलिमेंट्स पजेस साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई, चालनी नलिकाएं, साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन न्यूक्लियाई नहीं होता, बिल्कुल इसकी सिस्टर सेल होती है ना कंपेनियन सेल, उनके पास न्यूक्लियाई होता है, वही इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, तो डी बच्चों सही है, चालनी नलिकाओं में साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता, वो कंपेनियन सेल में होता है. क्लियर है, चले अगला क्वेश्चन. चलो फिर क्वेश्चन 33, द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप्ड बाई सी डी आर आई हैज लेजर साइड इफेक्ट बिकॉज इट. मुख द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोली जिसे सी डी आर आई ने विकसित किया, उसके दुष्प्रभाव अत्यंत कम होते हैं, क्यों. सी डी आर आई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. कौन सी बच्चों, सहेली, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर जिसके दो तीन क्वेश्चन हर बार आपको मिल जाते हैं. हाँ पहला ही दिख रहा है, कंटेन ए नॉन स्टीरोइडल प्रिपरेशन, ये पूछे हुए भी हैं, ये नॉन स्टीरोइडल होती है ना बच्चों, इसमें कोई हार्मोन नहीं होता, एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है,
क्लियर है इसका, बता रखा है मैंने नीट वाले पेपर में ढंग से। सेंट क्रोमैन, हाँ ये नाम भी याद रख लेना, सेंट क्रोमैन नाम से भी पूछा जा सकता है सहेली। एंटी एस्ट्रोजेनिक, नॉन स्टीरोइडल, में कोई हार्मोन कॉम्बिनेशन नहीं होता, फर्स्ट ही हो गया। 34th क्वेश्चन, व्हेन अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कैम्बियम इज प्रेजेंट इनसाइड ए वैस्कुलर बंडल, द बंडल इज सेड टू बी, अगर कैम्बियम है तो उसे आप क्या बोलोगे, सीधा क्वेश्चन आ गया, ऐसे वैस्कुलर बंडल बच्चों क्या कहलाते हैं, ओपन। तो वैस्कुलर बंडल तीन टाइप के पढ़ते हो ना मेनली, रेडियल और कौन से, कंजॉइंट, कंसेंट्रिक। कंजॉइंट में आपको बताया था कोलेट्रल एंड बाई कोलेट्रल बच्चों, कोलेट्रल में अगर कैम्बियम है तब तो ओपन जाइलम फ्लोएम, अगर कैम्बियम नहीं है तो उसको बोल दो क्लोज। क्लियर, तो कैम्बियम है तो ओपन टाइप का कहलाएगा, आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट, फिर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर मेथड्स आर मेड अप ऑफ रबड़, निम्न में से कौन सी अवरोधक विधि रबड़ से बनी होती है। अब बच्चों जो बैरियर मेथड थी ना उसमें हम बता रहे थे कि जो स्पर्म ओवम की फिजिकल मीटिंग को रोकती है, अंडाणु शुक्राणु को भौतिक मिलने से रोकती है, उसमें जैसे एग्जाम्पल में कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट, ये सब आए थे। डायफ्राम, सर्वाइकल केप, ये केवल फीमेल के लिए थे बच्ची, कॉन्डम मेल और फीमेल दोनों के लिए। कॉन्डम लेटेक्स रबड़ से बनी स्ट्रक्चर, ये सब रबड़ से बनी स्ट्रक्चर बच्चों मेनली होती है, तो ये कह रहा है कि रबड़ से बनी हुई स्ट्रक्चर इसमें है। तो देखो सर्वाइकल केप यही बैरियर मेथड में यूज होती है, बाकी मल्टीलोड, प्रोजेस्टार्ट, लिपेज लूप, ये सारी तो आयुडीज थी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है ना पहला ही इसमें, तो सर्वाइकल केप वही बैरियर मेथड में ऐड होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बाइनोमियल वही जिसे कैरोलस लीनियस ने दिया था, पहला पार्ट जीनस, दूसरा स्पीसीज, सीधी सी बच्चों लैटिन वर्ड, लैटिन लैंग्वेज में जो लिखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे भी बना हुआ एक नीट में। द नेमिंग सिस्टम इनकरेक्ट पूछा ना आपसे, नॉट करेक्ट, हाँ इनकरेक्ट पूछ रहा है बच्चों, गलत पूछ रहा है, देख लो। अब द नेमिंग सिस्टम ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, सही है, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसी को यूज किया जाता है, कैरोलस लीनियस ने इसको दिया था। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटालिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है, अगर इसको लिखते हो जैसे मैंने लिखा होमो सेपियन हाथ से, हैंड रिटन से, तो दोनों के सेपरेट अलग अलग क्या करनी पड़ेगी, अंडरलाइन करनी पड़ेगी, और ये बात सही थी। थर्ड, द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर वाइल द सेकंड वन स्टार्ट विद ए स्मॉल लेटर, ठीक है, पहला वर्ड कैपिटल और स्पीसीज वाला स्मॉल में लिखते हो। द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट वाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द जीनस, गलत हो गया ना, पहला वर्ड बच्चों जीनस होगा, दूसरा स्पीसीज होगा, तो इसने उल्टा दे दिया, सेकंड जीनस नहीं होगा, तो डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, सीधा क्वेश्चन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, कैरोलस लीनियस ने जिसको दिया था। नेक्स्ट, ए पर्सन इंजर्ड इन ए रोड एक्सीडेंट रिक्वायरिंग एन अर्जेंट इम्यून रेस्पॉन्स, हेल्थ और डिजीज का क्वेश्चन बच्चों, एक बंदे का रोड एक्सीडेंट हुआ है, उसको तुरंत इम्यून रेस्पॉन्स वाज ब्रॉट टू बी द डॉक्टर, डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया है, द डॉक्टर इमीडिएटली गेव एन एटीएस इंजेक्शन, एटीएस एंटी टिटेनस सीरम, डॉक्टर ने उसे एंटी टिटनस, टिटनस का इंजेक्शन दिया है। व्हाट टाइप ऑफ इम्यूनिटी वाज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, उस रोगी को किस प्रकार की इम्यूनिटी डॉक्टर द्वारा दी गई, तो समझ जाओ बच्चों, तुरंत अपने को अगर किसी रोग से बचना है, तुरंत अगर अपने को प्रोटेक्शन चाहिए, तो कौन सी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी बॉडी बनाएगी कि बनी बनाई दोगे, दो टाइप की पढ़ते हैं ना अपन, इननेट और एक्वायर्ड, ये थोड़ी पड़ी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप याद करो, एक्वायर्ड में अपन ने हाँ, अगर आपको बनी बनाई बच्चों एंटीबॉडी मिले तब तो पैसिव, इम्यून सिस्टम खुद बनाए तो एक्टिव, फिर उसमें नेचुरल आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। तो ये कह रहा है एंटी टिटनस सीरम दिया है, और इस एंटी टिटनस सीरम में बनी बनाई प्रीपेड क्या है, एंटीबॉडी। अब बच्चों जब बनी बनाई है तो पैसिव हुआ, और जब इम्यून सिस्टम खुद बनाएगा तो एक्टिव हुआ। पैसिव में भी दो आते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल,
आते हैं। नेचुरल तो वो है जो माँ से अपने को मिलती है, IgG, IgA, और जो इंजेक्शन के थ्रू दी जाए वो कौन सी हो गई, आर्टिफिशियल। क्लियर है ना? स्नेक वेनम वाला एग्जांपल आता है, जब स्नेक बाइट करता है सांप के काटने पर बच्चों जो इंजेक्शन लगता है उसमें भी तुरंत अपने को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, तो वो भी पैसिव, सीधी आपको क्या दे दी जाएगी, एंटीबॉडी। पैसिव में भी कौन सा, आर्टिफिशियल, कृत्रिम। तो देख लो, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव नहीं है, एक्टिव में इम्यून सिस्टम खुद बनाएगा, इसमें भी एक्टिव है, गलत, इसमें पैसिव है, लेकिन बच्चों नेचुरल थोड़ी है, पैसिव में भी कौन सी है, आर्टिफिशियल। अच्छा क्वेश्चन, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। स्नेक वाला भी ध्यान रख लेना, स्नेक वेनम के अगेंस्ट बच्चों जो इंजेक्शन लगता है ना वो एंटी वेनम बोलते हैं, सांप का जहर वेनम होता है उसके अगेंस्ट एंटी वेनम, वो भी क्या होगा, यही होगा। तो बनी बनाई एंटीबॉडी पैसिव और इंजेक्शन के फॉर्म में आ रही है तो वो आर्टिफिशियल, कृत्रिम। अगला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिच प्रोटीन लेयर फाउंड इन यूग्लिना इंस्टीड ऑफ ए सेल वॉल। यूग्लिना में जो प्रोटीन की लेयर है उसका क्या फंक्शन है, यूग्लिना बच्चों कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। यूग्लिना में आउटर जो कवरिंग होती है, जैसे प्रोटोजोआ में भी आप बोलते हो, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेलिकल, कवरिंग पेलिकल ही होती है ना। हाँ, दो फ्लेजिला भी इसमें होते हैं, अपने को पता, अगर इसको हम धूप में रखें तो बच्चों फोटोसिंथेसिस होता है, वरना हेटरोट्रोफ नेचर का होता है। अब इस पेलिकल का फंक्शन क्या है, वही यूग्लिनोइड मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, तो देख लो इट कंट्रीब्यूट टू फोटोसिंथेसिस, इसका रोल नहीं है, वो तो क्लोरोप्लास्ट उसका है, हेल्प इन लोकोमोशन, यूग्लिनोइड मूवमेंट में तो रोल है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोटीन का रोल क्या है, मूवमेंट में तो वैसे इनडायरेक्टली है, मेन ये क्या देगा इसको, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देगा, वो इसके बेसल ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं ना, उसको क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। तो उस कवरिंग को हम क्या बोलेंगे, पेलिकल। ये उस प्रोटोजोआ में भी वर्ड यूज कर लेते हैं बच्चों, पैरामीशियम में भी वर्ड आता है पेलिकल, इनकी आउटर कवरिंग। नेक्स्ट, ये लोग अपने सर्कुलेटरी का क्वेश्चन है, वो डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है सर्कुलेटरी के, सारे दे दिए इसने। चूज द इनकरेक्ट मैच, गलत युग्म को सिलेक्ट करो, देख लो डिसऑर्डर कार्डियक अरेस्ट था बच्चों, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में हृदय की धड़कने सडन बंद हो जाती है, उसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, मोस्टली इलेक्ट्रिकल शॉक, अगर करंट लगे, झटका लगे तेजी से एक साथ, तो वो कार्डियक अरेस्ट बच्चों होता है, डेथ हो जाती है इससे। हार्ट अटैक, व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज, हृदय पेशियों का यकायक क्षतिग्रस्त होना हार्ट अटैक कहलाता है, बिल्कुल एनसीईआरटी में सर्कुलेटरी के लास्ट में जो डिसऑर्डर दे रखे हैं वही है, सही है ये भी। हार्ट फेल्योर, व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट का फेल हो जाना, हार्ट का काम बच्चों क्या है, रेगुलर ब्लड को पूरी बॉडी में ऑर्गन्स तक पंप करना, लेकिन जब हार्ट अपने काम में फेल हो जाए तो वो ऑर्गन तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाएगा, ये भी सही है। इश्केमिक हार्ट डिजीज, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फैट कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू विच मेक द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो, आर्टरी में कैल्शियम फाइब्रस टिश्यू वगैरह का डिपोजिशन होना, वसा का जमा होने से आर्टरी का गुहा ल्यूमेन नैरो संकड़ी हो जाती है, जिससे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती। इस डिजीज को बच्चों, अगर आर्टरी की ल्यूमेन नैरो हो जाए, आर्टरी की गुहा संकड़ी हो जाए, उसको वैसे तो बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसका एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी में है एथेरोस्क्लेरोसिस, याद आ गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी में इन सब चीजों का जमा होने से ल्यूमेन संकड़ा हो गया, जिससे प्रॉपर रक्त प्रवाह नहीं होगा। अब बच्चों इस्केमिक हार्ट डिजीज, ये भी देखो एक्चुअल में इस्केमिक हार्ट डिजीज भी यही होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ही इनडायरेक्टली बोल देते हैं, बट अब इन चारों ऑप्शन में देखें ना, हालांकि गलत नहीं है फोर्थ भी बच्चों, लेकिन इन चारों में कंपेयर करें तो ये प्रॉपर सही नहीं है, क्योंकि जनरली वो कोरोनरी आर्टरी के रेफरेंस में आता है, एक एक कॉमन आर्टरीज बॉडी में कोई भी हो उस रेफरेंस में इसको यूज नहीं करते, तब आंसर इसका क्या रख दिया, फोर्थ रख दिया, बाकी एथेरोस्क्लेरोसिस के रेफरेंस में ये वर्ड भी यूज कर लिया जाता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज। क्लियर, कुछ क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग भी आ जाते हैं जिसमें आपको बच्चों वो आंसर देना पड़ता है जो मोर प्रॉपर हो या इन चारों में से ज्यादा गलत हो, इनकरेक्ट हो, उसको सिलेक्ट करो। नेक्स्ट, दो स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पर है, पूछ रहा है कौन सा सही कौन सा गलत, दोनों गलत है कि दोनों सही है। पहला स्टेटमेंट दिख रहा है बच्चों, द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस फोर स्पोर, तो जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है इससे बच्चों मेगा स्पोर फोर स्पोर बनेंगे, तो माइटोटिकली बनेंगे कि मियोटिकली, इस
स्पोर तो मियोसिस से बनेंगे, तो माइटोटिक की वजह से बच्चों समसूत्री विभाजन की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, वो मियोसिस से बनेंगे, मियोटिक ट्री। दूसरा स्टेटमेंट, मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लोइड एंड मेगास्पोर इज हैप्लोइड। मेगास्पोर मदर सेल तो डिप्लोइड है और मेगास्पोर इज हैप्लोइड, ठीक है, मदर सेल डिप्लोइड, उससे बनने वाले मेगास्पोर तो हैप्लोइड होंगे, मियोसिस से बनते हैं, तो स्टेटमेंट सेकंड इसका बच्चों ट्रू है। फर्स्ट फॉल्स, दूसरा ट्रू, देख लो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, गलत, स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, तो डी हो जाएगा, कर लोगे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ डिजीज का बच्चों, कैनाबिनोइड रिसेप्टर आर प्रिंसिपली प्रेजेंट इन एनजीआईटी में मिल जाएगा, तीन टाइप के वो ड्रग, अल्कोहल ड्रग वाले दे रखे ना, ओपियोइड, कैनाबिनोइड और कोका एल्केलोइड। ओपियोइड के तो रिसेप्टर आपको कहाँ मिलते हैं, सीएनएस में और जीआईटी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। कैनाबिनोइड्स प्लांट था कैनाबिस सेटाइवा, भांग, चरस, गांजा, वो सब उनके जो रिसेप्टर है, जो ग्राही है, वो मुख्यतया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन में। तो आंसर इसका ए, सीधा ही गया ब्रेन। अगला बच्चों, इफ द डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर इन ए फ्लोवरिंग प्लांट इज 12, किसी पुष्पीय पादप में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या 12 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ओनली 6 क्रोमोसोम, तो इनमें से किस में 6 क्रोमोसोम होंगे, मतलब कौन सी हैप्लोइड स्ट्रक्चर है इनमें से। एंडोस्पर्म, ये तो अपने को पता है ट्रिप्लोइड होती है, भ्रूणपोष इसमें तो 18, तीन गुना मिलेंगे। लीफ सेल्स डिप्लोइड होती है, कोटिलेडोनोन भी डिप्लोइड होते हैं, सिनर्जिड ये बच्चों क्या होती है, हैप्लोइड, एंड तो इसमें कितने 6 क्रोमोसोम। सिनर्जिड याद आ गए ना, हाँ ये एंटीपोलर पोलर वाली सेल्स, ये तो सिनर्जिड है, जहाँ फीमेल गैमेटोफाइट, ये सेंट्रल न्यूक्लियाई, ये एंटीपोलर सेल, तो सिनर्जिड बच्चों कैसे होते हैं, हैप्लोइड। क्लियर है, ध्यान ही होगा, ये तो प्लांट एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स इन द पॉपुलेशन वुड रिजल्ट इन, हार्डी विनबर्ग वाला इवोल्यूशन वाला क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है कि अगर एलील की आवृत्ति बदल जाए किसी जनसंख्या में तो उसका क्या परिणाम होगा, बिल्कुल अनशाडी मिल जाएगा। हार्डी विनबर्ग बोल रहा था पी स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कॉन्स्टेंट रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन टू जनरेशन ये वैल्यू कॉन्स्टेंट नियत रहती है, अगर इसमें परिवर्तन आ जाए तो। अब बच्चों बात सीधी सी है, हार्डी विनबर्ग ये बोलता है कि किसी पॉपुलेशन में जनरेशन टू जनरेशन जीन की फ्रीक्वेंसी आवृत्तियां नियत रहती है, मतलब कोई चेंज नहीं आता, और जब चेंज नहीं आता मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा। अरे सीधी सी बात है, इवोल्यूशन का तो मतलब ही क्या है, रेगुलर आने वाले चेंजेस, लगातार पहले रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलिस इरेक्टस वो सारे थे, आज अपन है तो उनसे ज़्यादा एडवांस है, आगे अपने से भी ज़्यादा एडवांस होंगे, तो इवोल्यूशन बच्चों बोलता है कंटिन्यूअस आने वाले चेंजेस। और हार्डी विनबर्ग कर रहा था कि किसी पॉपुलेशन में अगर रूल अप्लाई हो रहा है मतलब जनरेशन टू जनरेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, सिमिलर है, कॉन्स्टेंट है, नियत है। तो सिंपल सा याद रख लो, अगर किसी पॉपुलेशन में आपको बोल दिया कि हार्डी विनबर्ग अप्लाई हो रहा है मतलब उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा, अगर ये फ्रीक्वेंसी बदल रही है मतलब हार्डी विनबर्ग तो अप्लाई नहीं हो रहा, उसमें क्या अप्लाई हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल। तो हार्डी विनबर्ग तो उसको नियत रखता है, इवोल्यूशन में क्या आते रहेंगे, चेंजेस आते रहेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है, क्लियर है, तो चलो आगे, कौन रोक रहा है। How many of the following statement is are incorrect? निम्न में से कितने कथन गलत है। पहला, न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द रेयरेस्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर प्रकार का एंडोस्पर्म रेयरेस्ट है, ठीक है, इन विच द न्यूक्लियस रिमेन इंटैक्ट, न्यूक्लियस रिमेन थोड़ी रहेगा, हट जाएगा वो तो। सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन्वॉल्व बोथ कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है, सेलुलर टाइप में कोकोनट वाला, इसमें सेलुलर न्यूक्लियर दोनों होता ना, कोकोनट का पानी तो बच्चों नारियल पानी तो न्यूक्लियर वाला है, गिरी सेलुलर वाली है तो पता ही है, ठीक है, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म फाउंड इन कोकोनट, सही है, तो इनकरेक्ट एक हो गया, बाकी दो करेक्ट है, सीधा ही आ गया। कोकोनट से कनेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, उसका कोकोनट नारियल का पानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और वो गिरी चिटकी जो बोलते हैं ना वो सेलुलर वाला। ये लो इवोल्यूशन का एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी से मिल जाएगा, ह्यूमन इवोल्यूशन ए मोर एप लाइक फॉर्म वाज ऑब्जर्व्ड इन, कपी के समान ज्यादा कौन थे, शुरू में आए थे ना ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, उसमें एप लाइक बच्चों कपी के ज्यादा क्लोज थे ड्रायोपिथेकस,
इनको तो कपियों का ही एंसेस्टर पूर्वज कहा गया, वाइल रामा पिथेकस जो थे, भगवान राम से याद रख लियो, रामा पिथेकस वाज मोर मेल नहीं, वो ज्यादा अपने समान थे। आज से 15 मिलियन ईयर से, वो 15 मिलियन वर्ष पूर्व है। पहला ही आ गया क्या? ठीक आ गया, तो क्या सोच रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन। न्यूसेलर एम्ब्रियो इज, न्यूसेलर से बनने वाला एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो नहीं, हाँ वही उसी डायग्राम से अपन देख लेते हैं बच्चों, देख लो, ये लो। तो इसमें अब जाइगोट वाला तो अपने को बच्चों ये नॉर्मली तो हो ही रहा है जाइगोट फॉर्मेशन। अब अगर ये जो न्यूसेलर है, न्यूसेलर से बच्चों एम्ब्रियो बन जाए ना, उसी को तो बोलते हैं अदर देन, अगर फर्टिलाइजेशन यहां से भी हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एपोमिक्टिक डिप्लॉइड। ध्यान है ना, ये न्यूसेलर से बन रहा है, इसके अलावा अगर कहीं बाहरी सेल से बन रहा है न्यूसेलर वगैरह से, तो उसको अपन बोल देते हैं एपोमिक्टिक हैप्लोइड, सॉरी एपोमिक्टिक डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होगा, तो ये तो याद रखने वाला ही है। न्यूसेलर एम्ब्रियो एपोमिक्टिक डिप्लोइड होते हैं, भी नॉर्मली तो वो जो आई रहा है मेल गैमेट और फ्यूजन से बन रहा है, यहाँ वैसे ही एंडोस्पर्म 3N, बट अगर न्यूसेलर से बन रहा है एम्ब्रियो अदर देन इसके, तो उसको एपोमिक्टिक डिप्लोइड, वो डिप्लोइड होते हैं। क्लियर है? फिर इवोल्यूशन का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, द साइज ऑफ द ब्रेन ऑफ नियंडरथलीज, नियंडरथल मानव के मस्तिष्क का आकार, कितनी क्रेनियल कैपेसिटी थी? तो नियंडरथल की 1400 सीसी आती है, ये 900 के लगभग होमो इरेक्टस की थी, 600 सीसी 600 ऑस्ट्रेलोपिथेकस की थी, क्रोमैग्नन की 1600 सीसी सबसे ज्यादा बच्चों, क्रोमैग्नन की 1600 से भी ज्यादा होती है, तो मैक्सिमम इन्हीं की थी। चलो आगे 48th क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी इन सीड वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, मतलब बीजों का जो बच्चों जीवन क्षमता है, बीजों की जो जीवन क्षमता, लंबे समय तक कितने बीज, कितने टाइम तक जीवन क्षम रहते हैं, वो जाति से जाति में भिन्न होती है, हर जातियों के लिए अलग अलग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज सीड विद द हाईएस्ट रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ वाइबिलिटी, किस पौधे के बीजों में सबसे लंबे समय तक जीवन क्षमता का रिकॉर्ड है? बताओ, ये तो है एनसीईआरटी का याद रखने वाला है ना, कौन सा प्लांट? लुपिनस, ये रहा लुपिनस आर्कटिकस, आर्कटिक टुंड्रा में बताते हैं ना, 10,000 सालों के बाद इसके जो सीड मिले बच्चों, उनको जर्मिनेट करवाया, तो जर्मिनेट भी हुए, उनसे फ्लोवरिंग भी हुई, आर्कटिक टुंड्रा वाले में जिसमें सोइल पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है, वही। तो ये लुपिनस याद रखने वाला, मोर देन 10,000 ईयर्स सबसे लंबे समय तक की वायबिलिटी बता रखी इसमें। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ब्रीडिंग इज रॉन्ग, ब्रीडिंग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो बच्चों एनिमल ब्रीडिंग वाले चैप्टर से नीट में भी आता है, हर बार इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग का इक्वेशन आपको मिल जाएगा, उसको एनसीईआरटी से देख लेना। बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन कैन नॉट बी इवॉल्व, इन ब्रीडिंग से प्योर लाइन इवॉल्व नहीं की जा सकती, गलत हो गया ना, इन ब्रीडिंग से तो प्योर लाइन इवॉल्व की जा सकती है, अंतर प्रजनन से तो शुद्ध वंश क्रम आता है, होमोजाइगोसिटी आती है, सही है बच्चों स्टेटमेंट, सॉरी गलत हो गया। कंटिन्यू इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग इंक्रीज फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, क्लोज इन ब्रीडिंग के पास फर्टिलिटी बढ़ती है, ये भी गलत है। निकट संबंधियों में जब अंतर प्रजनन कई पीढ़ियों तक होगा तो फर्टिलिटी प्रोडक्टिविटी कम होगी, इसी को तो हमने इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोला था, अंतर प्रजनन अवसादन कहा था, ये भी बच्चों दोनों ही गलत हो रहे हैं इसमें तो। क्रॉस ब्रीडिंग एलो डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड टू बी कम्बाइंड, ठीक है क्रॉस ब्रीडिंग से अलग अलग ब्रीड का क्रॉस होगा, दोनों करेक्टर कंबाइंड होंगे, हिजार्डेल इसी में आया। अगला और देख लें, इन ब्रीडिंग एक्सपोज हार्मफुल रिसेसिव जीन, ठीक है देखो इसमें सी ओ डी तो सही है, ए और बी बच्चों दोनों ही इनकरेक्ट है, ये भी गलत है, प्योर लाइन आती है ये भी गलत है, इसमें दोनों ही होंगे देख लेना क्या है। चलें आगे, नेक्स्ट होते हैं, इनमें भी कुछ करेक्शन मिल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट आर प्रोपेगेटेड थ्रू अंडरग्राउंड रूट, कौन से ग्रुप के प्लांट अंडरग्राउंड रूट से बच्चों, वो अंडरग्राउंड रूट में बताते हैं ना, रूट में जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है उन्हीं बड से फिर नया शूट वगैरह बन जाते हैं प्लांट, तो किसमें वो जिंजर, जिंजर और पोटेटो, अदरक और आलू तो अपने को पता है, तो स्टेम तने से हैं, ब्रायोफाइलम ये लीफ का हो गया,
पिस्टिया, ये भी इसमें स्टेम से कंसिडर। स्वीट पोटेटो एस्पेगरस, ये रहा बच्चों स्वीट पोटेटो, रूट से जो बड़ निकलती है उसी से प्रोपोगेट होते हैं। इसमें डी आ गया स्वीट पोटेटो। मीठे आलू, शकरकंद, इवोल्यूशन में भी आता ना पोटेटो और स्वीट पोटेटो। हाँ ओरिजिन अलग अलग है, एक रूट है एक वैसे, हाँ तो ये चेंज हो जाता है। ओरिजिन सेम होता तो होमोलोगस, डिफर है तो बच्चों एनालोगस बोल देते हैं। एनालोगस में आता ही है। अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग नंबर हिपेटिक में। अच्छा कॉकरोच का एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों बोर्ड पर आपके सामने है। इन दी गई संरचनाओं को अरेंज करो डिक्रीजिंग नंबर में, घटते हुए संख्या के बेस पर इनको अरेंज करो। तो हिपेटिक और गैस्ट्रिक शिका जठरीय नाल कॉकरोच में होती है 6 से 8। मेलपिजियन ट्यूब्यूल बच्चों कॉकरोच में होती है 100 से 150। ओमेटीडिया कॉकरोच के प्रत्येक आंखों में लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडियन ईच कंपाउंड आई। तो सबसे ज्यादा ओमेटीडिया है, फिर मेलपिजियन ट्यूब्यूल है, सबसे कम हिपेटिक शिका है। अरेंज कर दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये लो दूसरा आ गया, ओमेटीडिया सबसे ज्यादा, फिर मेलपिजियन ट्यूब्यूल और सबसे कम हिपेटिक शिका। वही हिपेटिक शिका जिसमें गैस्ट्रिक जूस होता है, पाचक रस। मेलपिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में काम आ गई और ओमेटीडिया बच्चों इमेज फॉर्मेशन में, कॉकरोच में वो मोजेक इमेज बनती है ना। हाँ अगला क्वेश्चन, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये लो मोल बायो का ले लो। डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ग्वानिन दे रखा है 30%, चार गाफ के रूल से कर सकते हो। व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एडिनिन एंड थाइमिन बेस पेयर। तो ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन भी बच्चों 30 सेमी होते हैं, 60 हो गए। बचे कौन, एडिनिन और थाइमिन, इन बेस पेयर का परसेंट 40 हो गया। हेलो एडिनिन थाइमिन से किसी एक का दे तो 20 निकाल देना। इसने दोनों का पूछ लिया, एडिनिन थाइमिन बेस पेयर पूछा ना तो 40 आ जाएगा। क्लियर है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जेनेटिक्स डाइजेशन का, एंडोक्राइन का, मिक्स का क्वेश्चन आ गया। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस गिवन इन द लिस्ट बिलो द सिक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको टिश्यू में भी देख सकते हो। ये नीचे दिए गए ये जो नाम दिए हैं, सिक्रेशन दिए हैं, इसमें से कितने एक्सोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड है बच्चों, बहिस्त्रावी ग्रंथियों से। अब देख लो जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से तो हॉर्मोन बता देते हो आप, वही हॉर्मोन जो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा बाकी सारे एक्सोक्राइन से आ गए, जैसे सलाइवा है तो सलाइवा एक्सोक्राइन है, ऑयल है, तेल है, सीबेशियस ग्लैंड से, ऑयल ग्लैंड से। डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम भी एक्सोक्राइन है। थायरोक्सिन हार्मोन आ गया तो हार्मोन है तो एंडोक्राइन है। एफएसएच हार्मोन आ गया तो एंडोक्राइन है। म्यूकस श्लेष्मा एक्सोक्राइन है। इंसुलिन हार्मोन है, एंडोक्राइन। ईयरवैक्स, कान का मोम, ये लो ये एक्सोक्राइन हो गए। सीरुमिनस ग्लैंड तो 1, 2, 3, 4 और 5 पहले आ जाएगा, 5 एक्सोक्राइन और बाकी हार्मोन, हार्मोन वाला एंडोक्राइन। अगला 54th क्वेश्चन, व्हेन ए फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू 5th ओएच ऑफ डीऑक्सीएडिनोसिन बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, ए कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड व्हिच इज। ये न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा, येलो डीऑक्सीएडिनोसिन है, मतलब डीएनए है डीऑक्सीएडिनोसिन। पहले कार्बन पे एडिनिन जुड़ा, ठीक है, पांचवें कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो इस न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलोगे भाई। पहले ये वाला इतना शुगर और ये वाला तो कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन, ये तो न्यूक्लियोसाइड है। जब बच्चों इसमें फॉस्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, बस जब फॉस्फेट जुड़ गया तो न्यूक्लियोटाइड बन गया। देख लो कहाँ, ये रहा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। आरएनए में एडिनाइलिक है, ये चूंकि डीएनए है तो बच्चों इसको बोल दिया डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन 56, टैक्सोनोमी का, कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए कंकत पट्टिकाएं यूनिक फीचर है कौन से फाइलम का, टीनोफोरा, वो 8 एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, कंकत पट्टिका गमन में सहायक कौन से संघ में, टीनोफोरा, जिसका एग्जांपल टीनो प्लाना। अगला बच्चों क्वेश्चन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के संदर्भ में गलत कथन ढूंढो। न्यूक्लियोसोम आ गया ना डीएनए स्टोन वाला, डीएनए स्टोन न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से फिर सोलेनोइड, वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है सुपर सोलेनोइड, वही बच्चों।
तो स्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ए स्टोन ऑक्टामर, ठीक है, 8 होते हैं ना वो H2S2B वाले, वही H1 तो लिंकर डीएनए बाहर होता है, उसको ऑक्टामर ही बोलते हैं, सही है। तो द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज स्टोन ऑक्टामर, सही है, डीएनए ऋणात्मक आवेशित होता है जो धनात्मक स्टोन प्रोटीन से कवर्ड होता है, ठीक है, सही है ये भी। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, तो इसमें बच्चों न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट, इसमें क्रोमेटिन की रिपीटिंग यूनिट प्रेजेंट होती है, सही है, बार बार रिपीट होता रहेगा, उसी को तो बोल देते हैं। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन एज बिट्स ऑन स्ट्रिंग, हाँ, क्रोमोसोम में जो न्यूक्लियोसोम है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, मतलब बच्चों जैसे माला होती है ना, माला में दाने जो होते हैं ना, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, धागे में दाने, ऐसे ही दिखाई देते हैं। स्ट्रक्चर व्हेन व्यू अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, जब इसको लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तब ऐसे दिखते हैं, ये गलत हो गया बच्चों, जब आप एनसीईआरटी में ढंग से इसको पढ़ोगे तो लाइट माइक्रोस्कोप की जगह आएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट तो सामान्य सूक्ष्मदर्शी होता है उससे नहीं दिखते, किससे देखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब वो बिट्स ऑन स्ट्रैंड धागे में छोटे छोटे दानों के रूप में दिखाई देगा, तो इस वजह से गलत हो गया, आंसर गया डी। ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बच्चों माइनर मिस्टेक भी हो जाती, ध्यान रखना अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट रेडियली सिमेट्रिकल, एनसीईआरटी का टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन, किसमें, किस जीव में अरीय सममिति नहीं पाई जाती, तो बच्चों रेडियल सिमेट्री किस किस में होती है, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा की एडल्ट स्टेज, ध्यान है आपको, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा की एडल्ट, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में तो बायलेटरल, हाँ ध्यान रख लो, पहला पाइला आते हैं अभी, इकाइनस, इकाइनस में तो रेडियल है इकाइनोडर्मेटा ना, इकाइनस सी अर्चिन, अरस्तु की लालटेन, एरिस्टोटल लैंटर्न, कुकुमेरिया ये भी रेडियल, टीनोप्लाना, टीनोफोरा भी रेडियल, कुकुमेरिया ये सब, पाइला बच्चों मोलस्का है और मोलस्का में बाइलेटरल, बाइलेटरल थी, हालांकि ये भी ध्यान रख लेना जो गैस्ट्रोपोड पाइला होते हैं ना, थोड़ा सा ये भी बता देता हूं मैं, ये इसकी क्लास होती है बच्चों गैस्ट्रोपोडा, इनमें क्या होता है जैसे पाइला शंख देखा अपन ने मंदिरों में बचाते ना बच्चों शंख, इनमें क्या होता है जब ये कवच शेल बनती है ना आउटर, तो उसमें टोर्जन आ जाती है, टोर्जन का मतलब एंटन घुमाव आ जाता है, इस टोर्जन कोइलिंग की वजह से इनको हम किसी भी एंगल से इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इनको बच्चों एसिमेट्रिकल भी बोल दिया जाता है, असममित मतलब इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ये चीज भी ध्यान रख लेना, तो इसमें रेडियल सिमेट्री कंसिडर नहीं करते, तो आंसर अपना क्या आ गया, पाइला ए, क्लियर है, चलें अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 58, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म द लिविंग टिश्यू इज ग्राउंड इन, ये कह रहा है कि जीवित सजीव में ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढने के लिए उसको अपन किसके साथ मिक्स करते हैं, लिविंग टिश्यू को किसके साथ ग्राइंड किया जाता है, ग्राउंडिंग ग्राइंड है ये, किसके साथ पीसा जाता है, ये भी अपने बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो जैसे लिविंग टिश्यू जीवित पत्ती लीफ या लीवर सेल्स लेके सबसे पहले कौन से एसिड में बच्चों उसको मिक्स करते हैं, पहला ही दिख रहा है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड आ गया फर्स्ट, फिर वो एक थिक स्लरी बनती है जिसको अपन कॉटन या चीज से फिल्टर करते हैं, तो एक तो एसिड सोल्यूबल आ जाता है, एक एसिड इनसोल्यूबल आ जाता है, अम्ल में विलयशील, अम्ल में अविलयशील, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम परसेंटेज इन लिविंग मैटर, फिर से बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बच्चों, लिविंग मैटर जीवों में सजीवों में सबसे ज्यादा कौन, तो वो एक टेबल दे रखी है ना बायोमोलिक्यूल चैप्टर की, हर टेबल अच्छे से देख लेना, पहली टेबल ये 9.1 उसमें दिख जाएगा OCHN, ये सीक्वेंस याद रख लो OCHN, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, वैसे बॉडी के रेफरेंस में 65 है और वैसे 46% अर्थ क्रस्ट में, तो सबसे ज्यादा यहां अपनी ऑक्सीजन, क्लियर। अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पैलेट्स के रूप में छोटी गोलियों और पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, कौन सा एक्सिडरी सिस्टम में कौन सा ऐसा वेस्ट है, हाँ यूरिक एसिड, बिल्कुल एनसीईआरटी में मिलेगा, एक्सिडरी सिस्टम स्टार्ट होता है उसी पहले पेज पे मिल जाएगा, एक्सिडरी सिस्टम के नीचे देख लेना,
पेस्ट पैलेट्स के फॉर्म में एक्सरीट, वो यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड के बच्चों एग्जांपल चार ही है जिनको आप याद रख सकते हो, रिब्स से, आर से कौन, रेप्टिलिया, आई से इंसेक्ट, बी से बर्ड्स और एक लैंड स्नेल, स्थलीय घोंगा। ये चार है जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं पेस्ट और पैलेट छोटी छोटी गोलियों के रूप में। तो देख लो रेप्टाइल बर्ड सही है, और देख लो ऑप्शन आगे स्नेल और इंसेक्ट भी सही है, इंसेक्ट और बर्ड्स भी सही है। तो आंसर ऑल ऑफ दीज आ गया डी आ गया। क्लियर? चलो क्वेश्चन 61। हाउ डज एन एंजाइम कैटलाइज ए रिएक्शन, एक एंजाइम किसी अभिक्रिया को कैसे उत्प्रेरित करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला। फिर बायोमोलिक्यूल में आपको लास्ट एनटीए वाले में भी पूछा गया था, वही डायग्राम ग्राफिकल जो बता रखा है। बस सीधी सी बात है, एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटलाइज करता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देगा, कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। देख लो बाय इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, गलत बच्चों, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी उस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगला क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम का बच्चों, By an angiogram, it was analyzed that there is a restriction to the flow of blood in the blood vessels. Angiogram, heart का angiogram होता है, X-ray type। उसमें बच्चों angiogram में ये देखा कि heart को जो blood vessels supply करती है blood की, उतना blood proper supply नहीं हो रहा। मतलब blood vessels में कोई ना कोई क्या आ गया, blockage आ गया, अवरोध आ गया, तो heart muscles को, heart cells को पूरी proper blood supply नहीं हो रही है। Which of the following disease can arise due to such a medical condition? तो इस चिकित्सक की स्थिति में कौन सी डिजीज के होने की संभावना है, तो एंजिना पेक्टोरिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजिना पेक्टोरिस याद आ गया ना, अभी पढ़ा भी था, दे भी रखा है। अगर हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाए, हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना हो, तो बच्चों को जो चेस्ट पेन वगैरह होता है उसको एंजिना पेक्टोरिस बोलते हैं। AMS, डायबिटीज, लास्ट ऑप्शन भी देख लो क्या है, एम्फाइसेमा। हो गए तो इसका सीधा आंसर आ गया एंजिना पेक्टोरिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्लियर है? चलें अगले क्वेश्चन पे। तो 63rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी और मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवेरिएंट फॉर्म से सिंगल फ्रूट। सिंगल फ्रूट है तो उसको सीधा ही अपन सिंपल फ्रूट बोल देते हैं। लास्ट एनटी वाले में था ना कार्पल, कार्पल से बच्चों एक से बन रहा, तो मोनोकार्पल, ज्यादा है तो वो पोली और मल्टीकार्पल। मोनोकार्पल ओवेरी से सीधे फ्रूट में कन्वर्ट हो रही तो वो सिंपल फ्रूट। अब मल्टी में भी अलग अलग है, अगर वो जॉइंट है तो सिनकार्पस उसमें हो गए, सिनकार्पस भी एक तरह से सिंपल फ्रूट ही कंसिडर करते हैं अपन, ध्यान ही होगा। तो और कई वो अलग अलग ओवेरी के फ्यूजन से बने तो एग्रीगेट हो गए, वो इनफ्लोरसेंस से बने तो कंपोजिट, वो अलग अलग टाइप के इसमें फ्रूट फर्स्ट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेडिसिनल प्लांट, निम्न में से कौन सा औषधीय पादप नहीं है, ये भी था क्वेश्चन। देखो कुछ तो रिपीट भी हो जाते हैं, मुलेठी, एलोवेरा, बेलाडोना, ये तो होते ही हैं। मुलेठी गले खराश और के लिए बच्चों, एलोवेरा उसके तो कई मेडिकल यूज होते हैं, ग्वारपाठा, बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना एलुसिनोजिंग प्रॉपर्टी भी रखता है, इंडिगो फोरा नील, ये कमर्शियल तो है बट इसका कोई औषधीय महत्व नहीं होता। Which of the following statement is incorrect? गलत असत्य कथन का चयन करो। In Australian acacia, the petioles expand, become green and synthesize food. Acacia. इसमें तो मैं पहले इससे बच्चों तीन वर्ड आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट भी होते हैं। Phylloclade, है ना? एक आता है क्लेडोड, एक बच्चों फिलोड। तो फिलोक्लेड तो परिणाम स्तंभ बोलते हैं अपन, ध्यान ही है, क्लेडोड परिणाम पर्व है और ये परिणाम वृंत कहलाता है क्या। तो फिलोक्लेड बच्चों परिणाम स्तंभ का मतलब जिसमें स्टेम जो है वो लीफ के जैसे काम कर रहा है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू लीफ, लीफ के काम कर रहा है, जैसे अपन नागफनी, यूफोर्बिया, कैक्टस, क्योंकि लीफ तो वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई, तो स्टेम लीफ के थ्रू फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो स्टेम लीफ के लाइफ फिलोक्लेड,
परिणाम पर्व है, पर्व है। इंटरनोड अगर लीफ की तरह काम कर रहा है तो क्लेडोड हो गया, रस्कस जैसे प्लांट में होता है बच्चों ये, और फिलोड इसमें वृंत पीटियोल लीफ की तरह काम करेगा, इसी का एग्जांपल आता है वो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया फिलोड, ध्यान रख लेना। तो सही है, पहला तो पीटियोल एक्सपेंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड, तो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया में पीटियोल्स है, वही हरी होकर पत्ती के जैसे फूड को सिंथेसाइज करता है, ये फिलोड होते हैं, फाइलोड भी बोल सकते हो, ट्रू है पहला। ये इनकरेक्ट पूछ रहा है, इफ मोर देन टू लीव्स अराइज एट ए नोड एंड फॉर्म हॉर्ल इट इज कॉल्ड हॉर्ल्ड एज इन मस्टर्ड। ये ला बच्चों कि जो नोड और इंटरनोड होता है, तो अगर यहां से लीव्स अराइज हो, मोर देन टू लीव्स अराइज ऐसे एंड फॉर्म में होल्ड एक मतलब चक्र की तरह फॉर्म कर ले तो उसको होल्ड बोलते हैं, तो बात सही है। बट ये बच्चों मस्टर्ड सरसों में थोड़ी देखा जाता है, सरसों में कंडीशन नहीं होती, हाँ उसमें तो अल्टरनेट चलती है ना रोड पे, तो ये होर्ली कंडीशन तो मोस्टली अपन बता सकते हैं नेरियम या उनमें मिलती है। यहाँ होल्ड जो है चक्रिक वो मस्टर्ड में नहीं होती, इस वजह से कैसा हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इन पामेटली कंपाउंड लीव्स द लीफलेट आर अटैच्ड एट ए कॉमन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पीटियोल एज इन सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन बॉम्बिक्स में बच्चों देख लो उसमें ये तो होता है, सिल्क कॉटन में क्या यही बिल्कुल टिप पर लीव्स, हथेली पर जो फिंगर होती है उसी के समान रहती है ना पामेट, ये रहा इन पामेटली हथेली नुमा, हथेली पर जो फिंगर लगी रहती है वैसी टिप पर ये लीव्स लगी रहती है, सही है ये तो। अगला, लीव्स ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट जनरली पजेस रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है जालिकावत सीरा विन्यास होता है डाइकोट में, वाइल पैरेलल वेनेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट मोनोकोटिलेडोनस, मोनोकोट में पैरेलल होता है, इनमें समानांतर और वहां जालिकावत, तो सही हो गया ना, तो इसमें रॉन्ग पूछा है, सेकेंड हो जाएगा मस्टर्ड की सरसों की वजह से ये गलत, क्लियर। क्वेश्चन 66, इन मोनोकोटिलेडोन सीड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, वही उसमें अपने वीट वगैरह में भी बताया था एम्ब्रियो एंडोस्पर्म और ये सबसे आउटर मोस्ट जो प्रोटीन की थिन लेयर थी वो बच्चों कौन सी, एल्यूरॉन लेयर, यही आ गया। चलें आगे, अकॉर्डिंग टू एलन्स रूल, ये लो फिर से उस सेंटी में भी था वही, कोल्ड क्लाइमेट में जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है उनकी साइज छोटी, देख लो शॉर्टर ईयर एंड लॉन्गर लिम्स, कान छोटे होंगे लेकिन लिम्स लंबे थोड़ी, उपांग छोटे ही होंगे, शॉर्टर ईयर एंड शॉर्टर लिम्स, ईयर लोब भी छोटे उपांग भी छोटे कोल्ड क्लाइमेट में, सेकेंड कर दें, कर दें तो ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट 68, इफ ए सुपीरियर कंपिटिटर इज रिमूव फ्रॉम द एरिया, ये भी आया था लास्ट एनडीए वाले में, सुपीरियर कंपिटिटर जो ज्यादा सुपीरियर प्रतिस्पर्धक है उसे अगर उस एरिया से हटा दिया जाए तो देर इज ऑलवेज एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द अदरवाइज एक्सप्लोइटेड स्पीसीज द फेनोमेनन इज कॉल्ड, इस घटना को क्या बोलते हैं, वो बारनेकल का एग्जाम्पल लिया था बच्चों, एक तो बैलेनस था एक कैथेवेलस था, तो बैलेनस को हमने सुपीरियर कंपिटिटर बोला था, अगर बैलेनस है तो कैथेमेलस की ग्रोथ नहीं होगी, ये इन्फीरियर था, अगर बैलेनस को हम वहां से हटा दें तो कैथेमेलस की ग्रोथ प्रॉपरली होगी क्योंकि अब उसको कोई कंपिटिशन नहीं मिला, तो कंपिटिटर को हटाना कंपिटिटिव रिलीज कहलाता है, उसको हमने वहां से रिलीज कर दिया, हटा दिया। अगला, मैच द गैसेज इन कॉलम फर्स्ट विद देयर सोर्स इन कॉलम सेकंड, गैसेज को इकोलॉजी का क्वेश्चन है, मैच करना है। पहला बच्चों नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तो देख लो डी नाइट्रिफिकेशन में आएगी, ये तो सीधा ही नाम है वी नाइट्रीकरण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी आते ही वही ओजोन गैस से कनेक्टेड, कहाँ कहाँ से बच्चों, रेफ्रिजरेटर वगैरह से आती है सीधा सही लो, एरोसोल रेफ्रिजरेटर में सीएफसी होती है। मिथेन, मिथेन से कहाँ आ गया, केटल डंग वही मैथेनोजन बैक्टीरिया, गोबर गैस में मिथेन। ओजोन, ओजोन बच्चों सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी सेकेंडरी ध्यान है ना, प्राइमरी प्राइमरी प्राथमिक प्रदूषक में तो वही जो एज इट इज NO2 SO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो प्राइमरी है, इनकी फिर केमिकल रिएक्शन से जो बनते हैं लाइक HNO3 H2SO4 ओजोन, ये सारे बच्चों क्या होते हैं सेकेंडरी द्वितीयक पोल्यूटेंट्स प्रदूषक। कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, कंबजेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, ईंधन जलने से कंबसन से CO2 बनती है, इमेज कर लेना, ए ए में थर्ड, ये पहला ही जा रहा है, बी में फोर्थ, चेक कर लियो आप, क्लियर सीधा सही है, इकोलॉजी में गैसेस बता रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 70, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ये जल वाला जो एक्ट है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, जल प्रदूषण रोकने वाला कानून, कब याद रखने वाला है बच्चों, 1974 1987 में तो वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ना, फिर 89 को उसको अप्लाई किया था, 1995 में बच्चों वो क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रखने वाली बातें, ये 1974 एनसीईआरटी की ये लाइन। Which of the following is incorrect about the experiment performed by Engelmann? Engelmann वाला experiment, वही Cladorophora algae पर हुआ था, हाँ वही बैक्टीरिया वाले, बैक्टीरिया कहाँ accumulate, कहाँ जमा हुए थे, red और blue light में, ध्यान है ना, वही वाला experiment, इसका भी NTA में पिछले वाले पेपर में भी था question। The experiment organism used was Cladorophora green algae पर हुआ था, तो true है, ये आपसे क्या पूछ रहा है, incorrect पूछ रहा है बच्चों। फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया वाज यूटिलाइज, ठीक है वाई वी ए बैक्टीरिया यूटिलाइज हुए थे, सही है। द बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ऑरेंज एंड ग्रीन पार्ट, कि जीवाणु सामान्यतः ऑरेंज और ग्रीन वाले पार्ट में जमा हुए थे, गलत है ये तो, ऑरेंज ग्रीन में थोड़ी हुए थे, रेड और ब्लू वाले पार्ट में अरेंज हुए थे, जमे हुए थे। फॉर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इंटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट प्रिज्म वाज यू, ठीक है तो उस लाइट को प्रिज्म में से गुजारा था तभी तो स्पेक्ट्रम बना था, तो इसमें इनकरेक्ट बच्चों हो गया सी, ऑरेंज और ग्रीन की वजह से यहां क्या आना चाहिए, रेड और ब्लू आना चाहिए। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से गलत कथन का चुनाव करो। पहला, डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लाइट रिएक्शन, बच्चों डार्क रिएक्शन तो कहां, स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन कहां, ग्रेना में। तो ये कह रहा है कि डार्क रिएक्शन डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का जो उत्पाद है उस पर डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है, सही तो बात है, लाइट रिएक्शन से एटीपी एनएडीपी जो भी बनते हैं उसी पे डार्क रिएक्शन डिपेंड करती है, उसी से चलेगी आगे। इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन इनकॉर्पोरेट CO2 इनटू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ शुगर, बिल्कुल स्ट्रोमा में जो डार्क रिएक्शन होगी CO2 इनकॉर्पोरेट उसका यूज होते हुए तो शुगर को सिंथेसाइज किया जाएगा, ट्रू है नहीं है ना प्रॉब्लम। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज H2S एज ए हाइड्रोजन डोनर, ठीक है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं। फोर्थ, देर इज नो डिविजन ऑफ लेबर इन क्लोरोप्लास्ट, ये लो बच्चों ये गलत आ रहा है कि हरित लवक में श्रम का विभाजन नहीं होता, नो डिविजन ऑफ लेबर होता ही है क्लोरोप्लास्ट में, तो स्ट्रोमा और ग्रेना, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन और ग्रेना में कौन सी चलती है, लाइट रिएक्शन, तो वहां तो डिवाइडेशन हो गई, डिविजन हो गई, तो इसलिए गलत हो गया। चले आगे, क्वेश्चन 73, फटाफट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, क्रियाधार स्तर का जो फॉस्फोरिलीकरण है वो ग्लाइकोलाइसिस में, ध्यान होना अपने को, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, सबस्ट्रेट लेवल वाला बच्चों, लास्ट स्टेप था ना फॉस्फो इनोल पाइरुवेट से क्या बनना, पाइरुविक एसिड, वह तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ATP जिसमें बनता है, कहाँ है देख लो, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड टू पाइरुविक एसिड, थर्ड ही हो गया ना, इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन भी बोलते हैं। बच्चों क्वेश्चन में आते हैं 74th, ये लो अपना ETS एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द साइटोक्रोम विच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन को डोनेट करने वाला, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला साइटोक्रोम कौन सा है, तो बच्चों सबसे लास्ट में कौन सा है, तो सीधी मैं साइटोक्रोम की सिक्वेंस बता देता हूँ, साइटोक्रोम बी, फिर आता है साइटोक्रोम C1, सी, साइटोक्रोम ए, और लास्ट में बच्चों साइटोक्रोम A3, यही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को, तो देख लो कहाँ है, थर्ड ऑप्शन में आपको दिख रहा है साइटोक्रोम A3, वो FMN FES को क्यू वाला वो सीक्वेंस पता ही आपको। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन, चलो इसको भी लपेटे में तो ले ही लेते हैं। The following experiment was performed to test the effect of auxin on the plant growth. ये लो, कोई बच्चों पादप वृद्धि पर auxin का क्या फर्क, क्या प्रभाव पड़ता है, उसका चेक करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रयोग किया गया। 5 प्लांट सीडलिंग वर प्रिपेयर्ड एज बिलो, 4 प्लांट सीडलिंग तैयार किए गए, देवर अनलिटरली इल्यूमिनेटेड एंड ग्रोथ वाज मेजर्ड आफ्टर 10 days, उसमें एक साइड से लाइट डाली गई, 10 दिन बाद उनकी वृद्धि को चेक किया गया। तो ट्रीटमेंट क्या रिजल्ट आए, प्लांट 1 टिप नोट रिमूव्ड, नथिंग अप्लाइड। देखो ऐसे मान लो
ये बच्चों 5 प्लांट अपने ले लिए, प्लांट सीडलिंग ले ली, 1, 2, 3, 4 और 5 ले ली। अब इसमें ये बता दिया कि मेजर्ड आफ्टर 10 डेज, जब ऑक्सीजन का इन पर इफेक्ट, बच्चों ऑक्सीजन आपको पता है प्लांट की टिप में बनता है, अब टिप में बनता है वहीं से वो ग्रोथ को डिटरमाइन करता है। एक साइड से लाइट दी जा रही है, लाइट का सोर्स एक ही साइड से, तो ये भी ध्यान रख लेना डार्क और लाइट वाला। बच्चों डार्क में ऑक्सीजन सिंथेसाइज ज्यादा होता है, लाइट साइड में ऑक्सीजन का सिंथेसाइज कम होगा। ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन में अपना मेलेटोनिन हार्मोन, ध्यान है ना, पीनियल बॉडी वाला बायोलॉजिकल क्लॉक, वो नाइट टाइम में ज्यादा सिंथेसाइज होता है कंपेयर टू डे टाइम। तो ठीक वैसे ही लाइट की डायरेक्शन एक ही है, सेम साइड से आ रही है। अब पहला ट्रीटमेंट क्या बोला, टिप नॉट रिमूव्ड, नथिंग अप्लाइड। पहले प्लांट सीडलिंग की टिप हटाई नहीं गई, उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया गया। तो इधर से लाइट आ रही है, तो लाइट के अपोज में यहां बच्चों क्या बना, ऑक्सीजन बना। ऑक्सीजन ने प्लांट की ग्रोथ करवाई, ग्रोथ करवाई तो प्लांट इस तरफ टिल्ट हो गया, मतलब उसमें कर्व आ गया, वक्रित हुआ। ठीक है, पहले प्लांट ए में। सेकेंड, टिप रिमूव्ड नथिंग अप्लाइड, ऊपर वाली टिप को हटा दिया, टिप हटा के कोई कुछ भी अप्लाई नहीं किया। टिप हट गई तो ऊपर ऑक्सीजन भी नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो इसकी कर्व नहीं हुआ, कोई ग्रोथ नहीं, वैसे ही रहा, सीधा रहा। थर्ड, टिप रिमूव्ड जिलेटिन ब्लॉक विद साइटोकाइनिन वाज प्लेस्ड ऑन द कट एज। इस टिप को बच्चों रिमूव किया गया, टिप हटाई, हटाने के बाद बीच में जिलेटिन का ब्लॉक रख दिया। जिलेटिन ध्यान आ गया, गया वो इन हार्मोन वगैरह के लिए परमिएबल होता है, जिलेटिन ब्लॉक को रख के फिर उस टिप को वहीं रख दिया, तब ऑक्सीजन बना और वो जिलेटिन से होते हुए प्लांट में ट्रांसफर हुआ। अब ऑक्सीजन बना तो इसमें कर्व आया, एक साइड में वो क्या हो गया, ट्रांसफर। अब ऑक्सीजन की जगह बच्चों, अगर ऑक्सीजन होता तो हम बोल देते ऑक्सीजन की जगह इसने क्या यूज किया है, साइटोकाइन यूज किया है, तो साइटोकाइन से कहीं कोई कर्व नहीं होगा, ग्रोथ इसकी टर्म नहीं होगी, तो ये बिल्कुल कैसा रहेगा, स्ट्रेट, इसमें कर्वेचर नहीं होगा। डी, टिप रिमूव्ड जिलेटिन ब्लॉक विद ऑक्सीजन प्लेस्ड ऑन द कट एज। तो डी में इसने क्या किया, टिप को हटाया, हटा करके वही जिलेटिन लगाया, बट साइटोकाइन की जगह इसने क्या डाल दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आती प्लांट ने ग्रोथ की, ग्रोथ की तो उसमें डिल्ट हो गया, कर्वा आ गया। तो ऑक्सीजन जहां है वहां कर्वेचर होगा, बिना ऑक्सीजन और साइटोकाइन के कर्वेचर, बिना ऑक्सीजन के कर्वेचर नहीं होगा, साइटोकाइन है तो स्ट्रेट रहेगा, यहां टिप हटा दी तब भी स्ट्रेट। अब ट्रीटमेंट में देख लो, ए और डी वाले तो बच्चों कर्व शो करेंगे, बी और सी में कर्व नहीं होगा, समझ गए। ये अपने एनसीईआरटी में डायग्रामेटिक भी एक्सप्लेन कर रखा है, कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट वुड शो कर्वेचर आफ्टर द अबोव ट्रीटमेंट। कौन कौन से प्लांट कर्वेचर शो करेंगे, ए एंड डी, ढूंढ लो ऑप्शन में, ढूंढ के खुद ही आंसर दे दियो। ये सेकंड आ रहा है, ए एंड डी, समझ गए ना। डार्क में ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा तो कर्व है, कट कर दिया टिप, ऑक्सीजन नहीं बना, कर्व नहीं आया, कट करके जिलेटिन का ब्लॉक लगाया, फिर ऑक्सीजन से ट्रीट किया, तो जिलेटिन से ऑक्सीजन ट्रांसफर हुआ, परमिएबल है, साइटोकाइन डाला तो बच्चों परमिएबल जिलेटिन से तो है बट साइटोकाइन से कर्व नहीं फॉर्म हुआ। हाँ तो बच्चों इसमें ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन 76। एक और अच्छा क्वेश्चन, इन द बिलो डायग्राम्स ए एंड बी आर इनिशियल एरियाज ऑफ लीव्स, ए एंड बी आर एरियाज ऑफ लीव्स आफ्टर ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इसमें दो बच्चों आपको बता रखे हैं कि ए और बी तो इनिशियल एरिया पत्ती के प्रारंभिक भाग दिखा रखे हैं, जैसे ये लीव्स बच्चों दे दी अपने को, ये कोई लीव्स बता दी, ये तो एक इनिशियल एरिया दे दिया इसका स्टार्टिंग वाला, एक इसके चारों ओर ये एरिया और दे दिया, इसको मान लो ए बोल दिया, इसको ए डैश बोल दिया, दूसरे डायग्राम में बी और बी डैश बोल दिया। तो अपन जो ग्रोथ वाला बच्चों पढ़ते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ, उसके रेफरेंस में क्वेश्चन है। तो पहले डायग्राम में ए दिखा रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बच्चों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे ये ले लो ए दे दिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्रोथ के बाद, वृद्धि के बाद जो ए डेस दिखाया है वो दिखा दिया 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 से 12.5। दूसरे डायग्राम में बच्चों इनिशियल दिखा दी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ग्रोथ के बाद उसको बता दिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ रहा है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ के बारे में एक्सप्लेन करो, तो थोड़ा सा बच्चों अपन समझ लेते हैं, अलग ही, चलो मैं इसको बता दूं।
जैसे जो एब्सोल्यूट ग्रोथ जो होती है, एक पूछूं रिलेटिव ग्रोथ परसेंटेज में, एब्सोल्यूट तो जैसे इस लीव्स में अपन ने देख ली कि फर्स्ट जो लीफ है, एक ये सेकेंड लीफ बच्चों बता के अपने को बता रखिए। अब इसमें दोनों टाइप की ग्रोथ कैसे अपन कंसीडर करेंगे, तो ये मान लो बच्चों ग्रोथ के बाद इसकी जो कितनी क्या ग्रोथ हुई, तो ए लीव्स में ये तो बता रखिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रोथ के बाद 12.5, बी में ये बता रखी है पहले 40 और ग्रोथ के बाद कितनी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो दे रखा है। अब इसमें देखियो, तो जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है उसके बारे में बात करूं तो बच्चों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कितनी होगी 12.5, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो इसकी आ गई 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां इनिशियल 40 थी, ग्रोथ के बाद 50 हो गई, तो 40 से 50 का मीन बच्चों एब्सोल्यूट ग्रोथ होगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो एब्सोल्यूट होगी वास्तविक इसकी वृद्धि। ठीक है, सीधी बात, रिलेटिव ग्रोथ जो परसेंट में है कि बच्चों यहां देखो रिलेटिव ग्रोथ 10 से कितना आया 12.5, तो 10 से 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 का 12.5 कितने परसेंट हुआ, लगभग 25 हो गया ना, तो ये रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई 25% हुई। यहां 40 से 50 इनिशियल 40 थी, 40 से 50, तो ये इसका कितना परसेंट हुआ 40 से 50 कितनी बड़ी 10, तो 40 का बच्चों अगर आप 10 कैलकुलेट करोगे, 40 का 10 सेंटीमीटर अगर कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना आएगा 25, यहां 10 का अगर अपन 2.5 कैलकुलेट करें तो 25 आया, तो यहां भी रिलेटिव ग्रोथ कितनी हुई 25%। बात समझ रहे हो ना, 10 से 12.5 तो एब्सोल्यूट ग्रोथ हो गई, यहां 40 से 50 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, रिलेटिव 10 से 12.5 हुई है तो बच्चों कितनी 2.5 आई, तो 10 का 2.5 कितना हुआ 25% ग्रोथ हुई रिलेटिव। यहां 40 से 50 चली गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा है, तो 40 का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर भी कितना होता है 25, तो क्या आ गया कि इस एग्जांपल में एब्सोल्यूट ग्रोथ, ये बच्चों ए लीव है ये बी है, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो दोनों की क्या रहेगी डिफर रहेगी, भिन्न रहेगी, बट रिलेटिव ग्रोथ दोनों की क्या रहेगी सेम रहेगी। अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसको भी, आते हैं अपन वहीं, ये रहा आपके सामने, तो पहला स्टेटमेंट बोथ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ ऑफ लीव्स आर सेम, दोनों सेम नहीं है, रिलेटिव सेम है एब्सोल्यूट सेम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज सेम बट रिलेटिव ग्रोथ इज डिफरेंट, गलत हो गया, उल्टा, एब्सोल्यूट ग्रोथ इज डिफर बट रिलेटिव ग्रोथ इज सेम, तो सी हो जाएगा ना बच्चों, तो इसका आंसर आ गया सी, एब्सोल्यूट ग्रोथ तो अलग है, एक में 2.5 है एक में 10 है, बट रिलेटिव ग्रोथ दोनों की सेम है 25%। क्लियर, चलो तो क्लियर है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 आपका वेट कर रहा है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कर्ड, मिल्क से कर्ड, दूध से जब दही बनेगा तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पोषण वाले मान बढ़ेंगे, क्यों वाता ना बच्चों लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से विटामिन कौन सा B12, तो कर्ड में विटामिन B12 आ गया जिसको हम साइनोकोबालेमिन बोलते हैं, जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा देगा। क्वेश्चन 78, द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेस्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ये बायोटेक्नोलॉजी वाला बच्चों, कि जो प्रोडक्ट हमने बायोरिएक्टर से, जो बायोटेक से RDT से प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट की उसको प्योरीफाई करना, प्रिजर्वर शुद्ध करना, जो लास्ट स्टेप होता ना शुद्धिकरण, प्योरीफाई करना, कौन सी प्रोसेस थी, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। क्लियर, चलो क्लियर है तो। 79, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू विच सिंड्रोम, दिए गए लक्षण कौन से सिंड्रोम, कौन से विकार से संबंधित है, तो सिंड्रोम अपने जेनेटिक्स में बता रखे हैं, फर्रो टंग, जीभ में खांच, तो ये बच्चों यही पता चल जाता है डाउन सिंड्रोम वाली बात हो रही है, पाम इज ब्रॉड विद करेक्टरिस्टिक्स पाम क्रीज, हथेली में मैं बताता हूं ना पाम क्रीज, हथेली में क्रीज लाइन, एक
फिजिकली साइकोमोटर एंड मेंटल रिटार्ड, मानसिक रूप से विमंदित, दिमागी रूप से कमजोर बच्चों, शॉर्ट स्टेचर्ड विद द स्मॉल राउंड हेड, छोटा गोल सिर चपटा, हाइट कम, तो कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम। वही डाउन सिंड्रोम जो कौन से क्रोमोसोम? 21st क्रोमोसोम की ट्राइजोमी से होता है। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक बढ़ जाएगा। एनसीईआरटी से ये बच्चों। अगला क्वेश्चन, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर फ्रॉम फॉलोइंग। दिए गए रोगों में से मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन से है वो आपको बताने। तो जेनेटिक्स में बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर की दो श्रेणियां बता रखी है, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में तो गुणसूत्रों की, क्रोमोसोम की गड़बड़ी से है, इसमें डाउन सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर है, टर्नर है, वो तो क्रोमोसोमल है। मेंडेलियन में वो जो इधर दे रखा ना, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रो, वो सारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो देख लो कौन कौन से हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसकी जीन कौन से क्रोमोसोम पर? 7th पे। हीमोफीलिया की जीन एक्स क्रोमोसोम पे, सिकल सेल की जीन 11th क्रोमोसोम पे, कलर ब्लाइंडनेस की जीन भी एक्स क्रोमोसोम पे, थैलेसेमिया की 11 और 16 क्रोमोसोम पे, फिनाइल कीटोन की 12 क्रोमोसोम पे। ये सारे के सारे बच्चों कौन से डिसऑर्डर है? मेंडेलियन डिसऑर्डर। कोई भी क्रोमोसोमल नहीं है, तो काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें सारे आ गए, आंसर गया सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन 81, ए डिजीज मैन मैरिज ए नॉर्मल वुमन। ए डिजीज्ड मैन, एक रोगी नर, नर है रोगी, मैरी ए नॉर्मल वुमन, उल्टा हो गया क्या? डिजीज्ड मैन मैरी ए नॉर्मल वुमन, दे हैव 3 डॉटर एंड 5 सन। तो एक रोगी पुरुष का विवाह सामान्य महिला से होता है, उनके बच्चों 3 डॉटर, 3 पुत्रियां और 5 पुत्र है। इस टाइम में भी देख लो 3 डॉटर और 5, 8 संततियां, कैसे लालन पालन कर रहे हैं यही जाने। ऑल द डॉटर्स वर डिजीज एंड सन वर नॉर्मल। सारी पुत्रियां रोगी है लेकिन पुत्र सामान्य है। द जीन ऑफ दिस डिजीज इज, अब बच्चों एक सीधा सा मैं पेडिग्री में मैं आपको बताता भी हूं कि अपने को सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो फादर है वो अगर डिजीज है, एक लाइन आती है बिल्कुल क्लियर कि फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा ट्रांसफर होगा डॉटर में। क्लियर है ना, फादर का एक्स ऑलवेज ट्रांसफर टू डॉटर। अब बच्चों फादर डिजीज है, पिता के रोग है, इसका एक्स हमेशा पुत्रियों में जाएगा। अब मान लो फादर का ये एक्स पुत्रियों में आया, एक एक्स मां से आया, तो ऐसे इसको आप कैरियर बोलते हो। कब? जब ऑटोसोमल एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया में रिसेसिव होता ना बच्चों, रिसेसिव है तो एक जीन से डिजीज नहीं होगी, वो कैरियर होगी। लेकिन इस कंडीशन में भी अगर डॉटर में डिजीज हो रही है, मतलब ये जीन बच्चों रिसेसिव नहीं, ये जीन क्या है? डोमिनेंट है। ये पेडिग्री का एक स्टेप बताता हूं। अगर डिजीज फादर की, सारी डॉटर डिजीज्ड है, सारी डॉटर में रोग है, तो 100% वो क्या होगा? डोमिनेंट होगा। एक एक्स पर जीन आती है, अगर वो एक्सप्रेस हो रहा तो डोमिनेंट है, प्रभावी है, नहीं हो रहा तो वो अप्रभावी है, वो कैरियर है। तो देख लो इससे क्लियर हो गया, सारी डॉटर डिजीज है लेकिन पुत्र सामान्य है, तो ये जीन ऑफ दिस डिजीज क्या होगी? सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगी। एक्स पे है तो सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और अगर मां से बच्चों, मां में रोग हो और सारे पुत्र डिजीज्ड हो, तो उसको वैसे कंसिडर कर सकते हैं, ध्यान रख लियो, पेडिग्री में बता रखा है मैंने। चले नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था। लो अगला पेडिग्री का क्वेश्चन आ गया, याद करते ही। एनालाइज द पेडिग्री चार्ट, दिस इज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस पेडिग्री चार्ट को देखते हुए सही विकल्प का चयन करो। और मुझे लग रहा है एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बिल्कुल आपको देखते ही हो जाएगा। एक मैं कंडीशन दिखा रहा हूं बच्चों, दे रहा हूं। अगर सबसे पहले तो ये देख लेना, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको 90% केस में। तो अगर नॉर्मल पेरेंट्स के डिजीज्ड प्रोजेनी हो रही है, सामान्य जनकों की अगर रोगी संतति आ रही है, तो हमेशा ऑटोसोमल रिसेसिव। क्लियर, बस ये बहुत बारी आ जाता है, इसको सीधा ही समझ जाना आप। पेरेंट्स दोनों नॉर्मल दिख रहे हैं बच्चों, और ये बीच में ये प्रोजेनी कैसी आ रही है? रोगी, डिजीज, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में अपन बता देते हैं, ये कैरियर कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल ए स्मॉल है, तो स्मॉल ए स्मॉल ए, और स्मॉल ए स्मॉल ए का मतलब वो क्या है? डिजीज्ड है, अफेक्टेड है। तीन कंडीशन बता रखी, मेरा लेक्चर देख लेना, यूट्यूब पे भी डाल रखा है बच्चों पेडिग्री वाला, उसमें डिटेल में बता रखा है मैंने।
रिसेसिव में ये वाला डिजीज होगा, अफेक्टेड होगा, ये कैरियर होगा और ये नॉर्मल होगा। अगर सबसे पहले ये देख लेना, देख लो ये बोर्ड पे दिख भी रहा है, पेरेंट्स दोनों नॉर्मल है लेकिन ये प्रोजेनी में क्या रहा है, डिजीज आ रहा है। यही चीज सेकंड जनरेशन में भी हो रही है, नॉर्मल पेरेंट्स का ये डिजीज प्रोजेनी आ रही है, तो 100% वो ऑटोसोमल रिसेसिव। और उसके जीनोटाइप भी आप लिख सकते हो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी पूछा जा सकता है। तो देख लो, इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया। अब फिनाइल कीटोन यूरिया बच्चों सेक्स लिंक्ड नहीं है, लिंग सहलग्न नहीं है, फिनाइल कीटोन की जीन 12वें क्रोमोसोम पर होती है, सेक्स लिंक्ड तो वो हो गए ना एक्स और वाई वाले। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन यूरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। बिल्कुल ये ऑटोसोमल है क्योंकि इसकी जीन 12वें क्रोमोसोम ऑटोसोम पर होती है, तो आंसर इसका जाएगा सेकेंड। क्लियर? थर्ड पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, ये तो नहीं है, रिसेसिव सेक्स लिंक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे बच्चों दिख रहा है क्या? बढ़िया रे। तो इसमें बच्चों ने टेबल दे रखी है, इसमें वही अपने माइक्रोब्स वाला है, और नीट में भी हर बार माइक्रोब्स का एक मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछते हैं, वो बैक्टीरिया फंगस के नाम देके उनके प्रोडक्ट के बारे में आ जाता है, तो वही है। इधर बैक्टीरियम दे दिया, बैक्टीरियम साइंटिफिक नेम और लैक्टिक एसिड बच्चों, तो सब क्लियर नहीं आया है, आगे है क्या? हाँ ऐसे दे दिया, वो बैक्टीरियम वहां है, ए लैक्टिक एसिड, चलो यही देख लो ना, मैं बोल रहा हूं सुनते रहना। तो बैक्टीरियम, फिर यहां एक साइंटिफिक नेम ए खाली दे दिया, इधर ये लैक्टिक एसिड दे दिया, लैक्टिक एसिड, तो कौन सा बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है? तो लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है, एलएबी लैक्टो लैक्टिसाइडी वाले बैक्टीरिया हो गया ना। दूसरा फंगस, यहां बी है बच्चों, आगे साइक्लोस्पोरिन ए है, ये बहुत बार आ गया, साइक्लोस्पोरिन ए वाली फंगस कौन सी? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हो गया बी। सी दिया है यहां, यहां दिया है मोनोस्कस परप्यूरस स्टेटिन। मोनोस्कस, मोनोस्कस किससे, क्या है मोनोस्कस? ईस्ट है। और फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, और पेनिसिलियम नोटेटम से क्या आता है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है। तो इसका मेस द कॉलम देख लो, पहले ए में लैक्टोबैसिलस आ रहा है, सही है, बी में साइक्लोस्पोरम पॉलीस्पोरम गलत है, साइक्लोस्पोरम नहीं ट्राइकोडर्मा होगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है भाई, बी में ए में लैक्टोबैसिलस है, बी में ट्राइकोडर्मा है, सी में मोनोस्कस इस्ट है, और फंगस डी पेनिसिलिन है, तो सेकंड आंसर इसका आ रहा है बच्चों, सी में बैक्टीरिया मैच नहीं कर रहा, चलो तो इसका आंसर आ गया सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, ये लो, जेनेटिक विद वाइल्ड टाइप, स्मॉल सी स्मॉल डी का क्रॉस है वाइल्ड टाइप से। बच्चों जो वाइल्ड टाइप लिखा है ना, जंगली प्रकार, वो हमेशा डोमिनेंट होता है, वाइल्ड प्रभावी डोमिनेंट, ये अपने क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं ऐसे भी। इससे जो F1 आया उसे क्रॉस बैक विद डबल रिसेसिव, उसको रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाया, तो ये वाली ऑफ स्प्रिंग वहां आ गई, तो मतलब एक स्मॉल सी स्मॉल डी वाइल्ड टाइप बता रखा है, कैपिटल प्लस कैपिटल प्लस 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 वाइल्ड को डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके क्रॉस से जो आया उसको फिर बच्चों आगे क्रॉस करवाया गया बैक क्रॉस बैक, तो क्या ये टेस्ट क्रॉस होता है रिसेसिव के साथ। इससे अपने पास ये चार प्रोजेनी आई है, प्लस प्लस सी डी प्लस डी सी प्लस। इसमें प्लस प्लस और सी डी ना बच्चों, देख लो ये ऊपर वाली प्लस प्लस और सी डी, ये तो पेरेंट के जैसी है, ये पेरेंट ही थे प्लस प्लस और सी डी, तो इसको तो हम बोल लेते हैं पेरेंटल प्रोजेनी, जनक के समान। और ये प्लस डी और सी प्लस ये दो नहीं है, तो इनको बोल देंगे न्यू प्रोजेनी। और जो नई प्रोजेनी है बच्चों, देखो पेरेंट्स के जैसे, पेरेंट के जैसे तो करेक्टर आते हैं लिंकेज की वजह से, सहलग्नता ध्यान है ना, लिंकेज साथ साथ। और जो नए करेक्टर है, जो वेरिएशन है, वो क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन की वजह से आती है बच्चों, पुनर्योजन। तो ये जो नया है प्लस डी सी प्लस, ये नया करेक्टर आए थे, ये दोनों तो पेरेंट के जैसे थे, नए करेक्टर का न्यू या रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, पुनर्योगज संततियां, इसका कारण रिकॉम्बिनेशन होता है, और पेरेंट के जैसी प्रोजेनी आने का कारण लिंकेज होता है।
अब हमें ये भी पता है कि लिंकेज की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्रॉसिंग ओवर से ज़्यादा होती है, क्रॉसिंग ओवर कभी भी 50% के ज़्यादा या अधिक नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन, ये तो चीज़ें क्लियर है ना। अब ये कह रहा है कि सी ओ डी के बीच की डिस्टेंस याद करो, जीन सी ओ डी के बीच की डिस्टेंस, तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है इसके लिए 9038979802, डेटा आप याद रख लो, इसमें जैसे इसी क्वेश्चन को मैं ले जाऊँ, इसी को अपन ले लेते हैं बच्चों, इसको यहां से अपन यहां जाओ, इसमें ये आ गया। अब ये कह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बन गई, तो बच्चों सीओडी जीन के बीच की डिस्टेंस याद करो, तो डिस्टेंस याद करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, क्या वो फॉर्मूला ये होता है, इसी से समझ लो आप कि ये तो पता ना सीओडी, ये डिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्टेंस के लिए होता ना सेंटी मॉर्गन कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होता है उतनी ही डिस्टेंस बिटवीन जीन होती है बच्चों, पुनर्योग की परसेंटेज आवृत्ति होगी उतना ही डिस्टेंस होगा, जैसे मान लो 1% रिकॉम्बिनेशन है तो दो जीन के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन या 1 मैप यूनिट होती है, ये तो पता आपको। अब फॉर्मूला ये है कि परसेंट रिकॉम्बिनेशन और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है कि न्यू प्रोजेनी, ये इसको क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, बाई टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाई 100, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बाई टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई बाई 100, इससे क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी आ गई, रिकॉम्बिनेशन की आवृत्ति आ गई, उतनी जीनों के बीच की डिस्टेंस होती है, 1% रिकॉम्बिनेशन है तो डिस्टेंस 1 सेंटीमॉर्गन होती है, मैप यूनिट बोलते हैं बच्चों। अब देख लो, अब आपको ये देखना है कि कौन सी इसमें नई प्रोजेनी है, कौन सी रिकॉम्बिनेंट है, तो सीधी सी बात है बच्चों, आप दो तरीके हैं, एक तो देख लो जो पेरेंट के जैसी है वो तो पेरेंटल है, नहीं है वो न्यू है, रिकॉम्बिनेंट है। दूसरा तरीका ऐसे भी देख सकते हो कि हमेशा क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी लिंकेज से कम होती है, तो जिन प्रोजेनी की नंबर ज्यादा है वो तो पेरेंटल होंगे, कम वाले बच्चों कौन से होंगे, रिकॉम्बिनेंट या न्यू होंगे, तो इसमें कम वाले ये है 98 और 102, इनका टोटल आ रहा है 200, न्यू प्रोजेनी होगी, और इन चारों का जब टोटल आप करोगे तो बच्चों आएगा 2000, फॉर्मूला आपके पास है, न्यू प्रोजेनी 200, न्यू प्रोजेनी 200 डिवाइड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, कितना आया, कितना आया कर लो, ये गया 10 आ गया, 10 सेंटीमॉर्गन, तो दो जीन के बीच की डिस्टेंस आ गई 10 सेंटीमॉर्गन, ये आंसर आ गया डी, 10 मैप यूनिट सेंटीमॉर्गन, या उसको मैप यूनिट मानचित्र इकाई भी कहलाते हैं, अरे वही अल्फ्रेड स्ट्रूटमेंट जो था ना मॉर्गन का स्टूडेंट, उसी ने बताया था इसको। चलो बेटा जी अगला क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेप इन्वॉल्व इन डेवलपिंग जीएमओ, जीएमओ को विकसित करने में कौन से स्टेप काम आते हैं, जीएमओ होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक रूपांतरित जीव, बायोटेक वाला ही है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, सबसे पहले इच्छित जीन वाले डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है बिल्कुल, फिर उसे आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट में प्रवेश करवाया जाता है वेक्टर के साथ जोड़कर, देन मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए टू इट्स प्रोजेनी, फिर वो आगे होस्ट से उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर होता रहा, तो ये सारे स्टेप सीक्वेंस में होते हैं, तो इसमें तीनों ही स्टेप है ए बी सी ऑल द अबाउट, फोर्थ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 फटाफट, द फ्रेगमेंट डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड बाय स्टैंडिंग डीएनए विद, तो डीएनए के टुकड़ों को किससे अभिरंजित करके हम देख सकते हैं, तो डीएनए के लिए वही एथिडियम ब्रोमाइड, बस बायोटेक वाला ये, फिर वो यूवी रेज यूज करते हैं तो डीएनए ब्राइट ऑरेंज चमकीला नारंगी रंग का दिखता है, फिर बायोटेक का बच्चों दो स्टेटमेंट आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, पहला स्टेटमेंट पहला कथन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज बीन लेस इफेक्टिव इन थेरेप्यूटिक ड्रग प्रोडक्शन,
चिकित्सकीय औषधियों के प्रयोग में आरडीटी कम सहायक है, कम उपयोगी है। गलत, बायोटेक का 12वां चैप्टर एप्लीकेशन में दे रखा है। आरडीटी का यूज़ करके अपन बच्चों लार्ज स्केल पर बड़े स्तर पर ये थ्रुप्टिक ड्रग मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, कई मेडिसिन तैयार भी हुई है हॉर्मोन में, जैसे ह्यूमुलिन इंसुलिन वाला बताया था, थ्रोम्बिन और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA, इसके अलावा इंटरफेरोन इंटरल्यूकिन, कई बायोटेक के प्रोडक्ट है जो अपन यूज़ कर रहे हैं। क्लोटिंग फैक्टर भी तैयार हुए हैं हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए, ग्रोथ फैक्टर भी बनाए गए हैं, कई बच्चों इसके प्रोडक्ट बने। तो गलत हो गया ना ये, तो हैज बीन लेस इफेक्टिव, नहीं है लेस, नहीं है लेस की जगह आएगा मोर इफेक्टिव, अधिक अत्यधिक प्रभावी है। रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स, इस पुनर्योगज चिकित्सा से औषधियों से अनैच्छिक प्रतिरक्षी अनुक्रिया उत्पन्न होती है, ये भी गलत है, बिल्कुल दे रखा है आवाज जीन थेरेपी में। इन दवाइयों का बच्चों बॉडी पर कोई इम्यूनोलॉजिकल साइड इफेक्ट नहीं होता, बॉडी का इम्यून सिस्टम इनको इजीली स्वीकार कर लेता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, दोनों ही गलत हुए। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं, फोर्थ आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 88। Which group of vertebrate comprise the highest number of endangered species? कशेरुकियों के कौन से समूह में सबसे ज्यादा endangered species रखी गई है, threat species, विलुप्त, विलुप्ति के कगार पे जो होती है ना, विलुप्त हो चुकी वो species को रखते हैं। तो शायद इकोलॉजी में भी डेटा दे रखे हैं बच्चों vertebrates में, जैसे amphibia, gymnosperm, ये तो vertebrate नहीं है, फिर भी मैं सिक्वेंस बता देता हूँ, देन mammals, फिर बर्ड्स, डेटा दे रखा है बच्चों। एम्फीबिया की कितनी परसेंट, 32% एंडेंजर्ड, जिम्नोस्पर्म की 31, मैमल्स की 23, बर्ड्स की 12%, ये ना एम्फीबिया, जिम्नोस्पर्म, मैमल्स, बर्ड। इनमें वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में जिम्नोस्पर्म तो हटा दो, इन तीनों में देख लो ऑप्शन, बर्ड्स है, मैमल्स है, एम्फीबिया है नहीं, तो अपना आंसर आ गया मैमल्स, वैसे एक नंबर पे एम्फीबियंस होते, क्लियर है। चलें आगे, 89th क्वेश्चन। इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2002 इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, हाउ मेनी कंट्रीज प्लेस देयर कमिटमेंट टू अचीव ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रोल ऑफ रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल रीजन्स एंड लोकल लेवल्स बाई 2010। ये जो वर्ल्ड समिट हुआ था बच्चों, ये बताते हैं ना अपन 1992 में तो रियो डी जेनेरियो जिसको अर्थ समिट बोला था, 2002 में जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जिसको वर्ल्ड समिट कहा था, उसमें कितने देशों ने 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, ये वर्ल्ड समिट ये पूछ लेते हैं। देन 2012 में फिर से वो रियो डी जेनेरियो में हो गया था, क्लियर है ना, ये आ जाते हैं 190 कंट्री। देन फिर इकोलॉजी का, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, सक्सेशन से रिलेटेड आ गया बच्चों। प्राइमरी सक्सेशन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर द क्लाइमेक्स टू बी रिच्ड। तो प्राथमिक अनुकरण है एक स्लो, अत्यधिक धीमी प्रक्रिया है, सही है, और क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते उसको हजारों, कई वर्षों, सैकड़ों टाइम लग जाते हैं। ठीक है, छोटा अगर वाटर बॉडीज है तो टाइम कम लगेगा, बड़ा तो उतना ही ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्लो, वेरी स्लो प्रोसेस है। ठीक है, अनुक्रमण में टाइम लगता है, वेरी स्लो प्रोसेस, करेक्ट है, ट्रू है। The energy at a higher tropic level is always more than a lower level. ऊपरी tropic level की energy low level वाले से ज़्यादा होती है, देख लो energy का pyramid हमेशा सीधा, इसमें बच्चों जो tropic level होते हैं ये, इसमें जो टॉप वाला tropic level है उसकी energy level उससे नीचे वाले से कम होगा ना, 10% वाला ध्यान ही है, एक से आगे में केवल 10% energy transfer होती है, तो ये तो गलत बात होगी। हायर ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन लोअर, हायर में लोअर के कंपेयर कम होगा, ये फॉल्स हो गया। बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं जिसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, खंडन बोलते हैं। गलत बच्चों, बैक्टीरिया ये तो डीकम्पोजिशन, डीकम्पोज करेगा, फ्रेगमेंटेशन तो अपने को याद आ रहा है, अर्थफॉर्म से याद रख सकते हो, केंचुए में फ्रेगमेंटेशन होता है, टर्माइट वगैरह फ्रेगमेंट करती है ना, छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वो फ्रेगमेंटेशन है, इसका बेस्ट एग्जांपल अर्थहोम, और अर्थहोम को ही हम बोलते हैं डेट्रिटस फीडर, अपरद भक्षी, डेट्रिटस फीडर, ये वो सोइल को, सड़ी गली पत्तियां, लीव्स, ऑर्गेनिक मटेरियल उसको खाता है वो डेट्रिटस फीडर अर्थहोम, ना कि बैक्टीरिया फंगस, ये भी गलत हुआ।
वो डीकम्पोजर होते हैं ना कि फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट मतलब तोड़ना. All succession whether taking place in water or in land proceed to a similar climax community the mesic condition. सारे अनुक्रमण का main जो बच्चों climax है वही होता है mesic condition को प्राप्त करना. सही है, चाहे वो पानी में हो चाहे थल पे हो, finally mesic condition आ गई ना. वो तीन होते ना, अपन बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रो वाले प्लांट हाइड्रोफाइट, तो वो हो गए जल वाले, जीरो फाइट डेजर्ट वाले, और बीच की कंडीशन वाले मीजोफाइट, जो पानी और अपने बोलते हैं कि टेरेस्ट्रियल लैंड दोनों पे इजीली कम पानी में भी सर्वाइव कर जाएं. तो बच्चों फाइनली इन सक्सेशन का एक ही रोल होता है कि क्लाइमेक्स पे जो इनका होता है ये मेसिक कंडीशन को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, उसी क्लाइमेक्स में मीजोफाइट की ओर बढ़ना. तो ये स्टेटमेंट भी इनका ट्रू हो गया. तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो इसमें फर्स्ट ट्रू है, वेरी स्लो प्रोसेस है बिल्कुल, और ये फोर्थ ट्रू हो गया. बाकी सेकंड और थर्ड बच्चों रॉन्ग है. तो फर्स्ट और फोर्थ वो आप देख लो कहां है, फर्स्ट फोर्थ आपको सी में दिख रहा है, तो अपना आंसर गया सी. और ये आपका एनटीए 40 का बायोलॉजी का पेपर जिसके पूरे 90 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए. अब बच्चों कुछ बच्चे बोल रहे सर हिंदी में भी करवाओ, हिंदी में भी ढूंढे थे, मिल रहे हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा. बाकी मेरा एफर्ट तो ये रहता है कि इंग्लिश वाले पेपर में भी अपन एक्सप्लेन तो हिंदी में ही करते हैं ना, तो बायोलॉजी में मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा आएगी नहीं. वैसे तो इंग्लिश वाले टर्मिनोलॉजी याद रखने हैं क्योंकि पेपर बायलिंगुअल आता है, बट इंग्लिश को वो प्रेफर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. फिर भी कुछ हो तो आप पूछ लेना, कोशिश करूंगा कि इस पेपर के नीचे वो जो लिंक होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं हिंदी वाला भी ऐड कर दूं पेपर, है ना. ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों, क्योंकि 90 क्वेश्चन थोड़ा टाइम लग जाता है सोल्व करने में, डेढ़ दो दो घंटे का होता है सोल्यूशन. कोई ना, कर रहे हैं आप लोगों के लिए एफर्ट, डेट भी अपनी आ गई है, यूं ही आप भी लगे रहें. नेक्स्ट फिर एक एनटीए के नए पेपर के साथ आता हूं, 40 के बाद वाले पेपर अपन सोल्व करेंगे, वो ज़्यादा एनसीईआरटी से कनेक्टेड है, ज़्यादा नीट ओरिएंटेड है. और ये मैं बोला भी था ना मैंने, 40 एनटीए के 40 के बाद वाले पेपर ही आप जनरली सोल्व करना. तो वहाँ बच्चों अपन ने 2014 तक का करवा दिया था, अब 13 वाला पेपर भी लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी जल्दी नीट वाला सोल्व करेंगे. तो क्लासेज चल रही है, पेपर भी चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाले भी चल रहे हैं, एनटीए वाला भी अपन ने स्टार्ट कर दिया. बस आप तो ईमानदारी से लगे रहो, भगवान जी अच्छों के साथ अच्छा ही करेंगे. मिलते हैं अगले पेपर में, अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए आप मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत.